हेलो रेस्टोरेंट्स, कैसे हैं आप सब बेटा? और सभी को हैप्पी वाला गुड मॉर्निंग। और शुरू करते हैं आज का ये सेशंस आपके लिए। हम देख रहे थे हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट चल रहा है और हम अंतिम और सेक्शन की तरफ बढ़ गए हैं। और यहाँ पे हम क्लास नंबर 18 डील करने वाले हैं आज के इस फर्स्ट यूनिट के अंदर। ठीक है बेटा, तो हमने इसके पहले मोलस्का का पूरा जो कैरेक्टर था वो मैंने डिस्कस कर लिया था आपके साथ। अब बात करते हैं क्लासिफिकेशंस की। 3-4 दिन क्लासेस बंद थी, बट कोई नहीं, क्लासेस फिर से रिट्यून की गई हैं। आगे की तरफ हम तेजी से क्लासेस को बढ़ेंगे। ये हमारा सबसे बड़ा यूनिट था जिसमें हम लोग 20 क्लास देखने हैं। 2 क्लास और बचा है, 18 है। 19 इकैनोडर्मेटा का कैरेक्टर बचा है, फिर इकैनोडर्मेटा क्लासिफिकेशन बचा है। उसके बाद हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगा। जैसे फर्स्ट यूनिट खत्म होगा ना, फिर क्लास ऐसे मक्खन की तरह आगे बढ़ेगा। मतलब हम लोग अक्टूबर और 10 नवंबर तक जाते जाते पूरा सिलेबस जो होगा जूलॉजी का वो मेजर पार्ट का क्लियर कर लेंगे। ठीक है, फिर हम लोग माइनर बॉटनी पढ़ेंगे आपके लिए। ठीक, और जो बॉटनी वाले मेजर वाले होंगे वो माइनर जूलॉजी पढ़ेंगे बाद में। ठीक, तो चलते हैं बेटा, क्लासेस स्टार्ट करते हैं। ये क्लास हमारे एप्लीकेशंस पे आप देख पा रहे हैं और हम दिखा रहे हैं आपको क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का क्या है। बेटा, क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का कैसे काम करता है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे आज के इस सेशन में। आप सभी का मोस्ट वेलकम है बेटा आज के इस क्लास के अंदर। और कैसा बढ़िया नोट्स चल रहा है बेटा? ठीक है बेटा, ओके बेटा, आपका नोट्स ठीक से बन रहा है? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है ना? एकदम प्रॉपर बन रहा है? एक हेडिंग क्लियर कर पा रहे हो कि कैसे क्लासिफिकेशन हो रहा है, कैसे कैरेक्टर्स होते हैं? ये अब तक का यूट्यूब का सबसे बड़ा सीरीज है बायोडायवर्सिटी का, जिसमें हम लोग प्रोटोज मतलब नॉन कॉडेटा के इंट्रो से स्टार्ट किए थे। और हम लोग कहां पे आ गए हैं? हम मोलस्का के क्लासिफिकेशन पे आ गए हैं। इसके बाद हम लोग इकैनोडर्मेटा का कैरेक्टर पढ़ेंगे और इकैनोडर्मेटा के क्लासिफिकेशन की तरफ पढ़ेंगे। पूरे यूट्यूब पे इतनी बड़ी सीरीज और इतना डिटेल सीरीज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगी, या फिर कहीं भी किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आपको देखने के लिए मिलेगी। चाहे वो YouTube सेक्शंस में आप जाके सर्च करिएगा, चाहे हमारे ऐप पे हमारे आप देख ही पा रहे हो ये वीडियो। तो ऐप के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दूं कि उनके लिए भी ये हमारा एकदम प्योर सीरीज है जो केवल उनके लिए बनाया गया है। ठीक है, चलते हैं बेटा बिहार के लिए। आप सभी का मोस्ट वेलकम बेटा। चलते हैं, क्लास शुरू करते हैं आज के इस सेशंस के। ठीक, क्लास शुरू करते हैं आज के इस सेशंस के लिए। ठीक, थोड़ा सा लाइट इशू है मेरे पास लगता है, कुछ क्या है मुझे नहीं पता। ठीक, आई थिंक मुझे देख लेना चाहिए, एक मिनट बेटा, थोड़ा सा लाइट इशू है, क्या है थोड़ा सा इसको देखा जाए। अच्छा, चलिए कोई नहीं, काम चल जाएगा, फिर हम इसको ठीक करते हैं। अभी ठीक करने का मतलब कि बंद करना पड़ेगा कैमरा, बट काम चल जाएगा ना, कोई दिक्कत इसका नहीं है। ठीक, ओके बेटा, ओके। ये मेरा बेटा मिर्जापुर और बनारस, दो जगह। ठीक है, चले क्लासेस शुरू करते हैं। अब देखो बेटा, सबसे पहले हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का की। तो क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का में आपने पाइला को देखा होगा। ये क्या बेटा? हमारा पाइला है। तो पाइला को आप लोगों ने डिस्कस किया होगा, अपने घोंगा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं गांव में? घोंगा बोलते हैं। तो घोंगा को आप लोगों ने देखा होगा। तो इसी के अंडर आने वाले जितने भी हमारे अलग अलग टाइप्स के एनिमल्स हैं उनके बारे में हमें डिस्कस करने हैं आज के सेशंस के अंदर। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना चाहिए। अब उसके बाद बेटा प्रॉब्लम कहां पे आ रही है? प्रॉब्लम ये आ रही है कि हम जो क्लासेस देख पा रहे हैं, क्या हम जो क्लासेस देख पा रहे हैं, आपसे एक मिनट लेंगे, बस एक मिनट बस एक मिनट लेंगे आपसे। हेलो डियर फ्रेंड्स, आपका ऑडियो वीडियो एक बार क्लियर है बेटा? आप थोड़ा बताइएगा मुझे, हम लेके आ गए हैं आपके लिए फिर से। थोड़ा सा टेक्निकल इशू होने की वजह से क्लास बीच में रुक गया था, बट अब सही हो गया है। ठीक है, चलते बेटा, आप ठीक हो? ऑडियो वीडियो जस्ट क्लियर हुआ आप सभी का? 1 मिनट प्लीज रिप्लाई, कोई रिप्लाई कर दो बेटा। क्लियर हो गया, सब कुछ ठीक से हो गया? ओके, चलते हैं, शुरू करते हैं बेटा। ये हमारे पास था क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का। हम देख रहे हैं मोलस्का की सीरीज जो हमारे आप सभी प्लेटफॉर्म पे आप ये वीडियो देख पाते हैं, चाहे वो वेब पेज हो, चाहे वो हमारे एप्लीकेशंस हो, सबके जगह ये हमारा आज का ये सेशंस मिल जाएगा।
हमने बताया कि ये जो सेशंस हैं ये बायोडाइवर्सिटी का सबसे बड़ा क्लास होने वाला है, यानी सबसे बड़े क्लास की सीरीज होने वाला है, जिस समय हम लोग नॉन कोर डेटा के इंट्रो से स्टार्ट किए थे और आ गए हैं। अब हम लोग प्रोटोजोआ देखे, पोरीफेरा देखे, स्लेंटेटा देखे, हमने टीनोफोरा देखा, यानी सबके बारे में बारी बारी से हमने स्टडी कर लिया है। हम आ गए हैं मोलस्का के क्लासिफिकेशंस पे। तो आज की क्लास में हम डील करेंगे कि मोलस्का का क्लासिफिकेशन कैसे होता है और मोलस्का का क्लासिफिकेशन कैसे स्पेशली बनाया गया है, इनके ऑर्डर क्या है, इनके क्लासेस क्या है, इनके सब क्लासेस क्या है, सबके बारे में डिस्कस करेंगे और कुछ बेहतर बेहतर पिक्चर भी आपको हम दिखाएंगे ताकि आप समझ सके कि इसके क्लास के पीछे के जो पिक्चर्स हैं ये यही है। ठीक है, शुरू करते हैं। आप नोट्स ठीक तरीके से बना लीजिएगा बेटा, कोई दिक्कत आपको ना हो। ठीक है, शुरू करते हैं आज का ये क्लास। आप फ्रेंड डालिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ मोलस्का, मोलस्का का वर्गीकरण। अब देखो, जब मोलस्का के वर्गीकरण के बारे में बातचीत होता है तो हमको सबसे पहले मिलता है कि भैया ये किसके बेसिस पे कराया गया था, आखिरकार जो मोलस्का क्लासिफिकेशन है ये किसके लिए कराया गया था, ये चीज आपको ध्यान देना चाहिए। ठीक है, अब देखो कहता क्या है, कहता है मोलस्का आर क्लासिफाइड इनटू सिक्स क्लास, यानी जो मोलस्का है उसको छह क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू देयर सिमेट्री, यानी सिमेट्री के बेसिस पे कि उनकी सममिति कैसी होगी, एंड आल्सो अकॉर्डिंग टू देयर फूड हैबिट, कैसे भोजन करता है, इनके सेल यानी इनके ऊपर का जो ये लेयर है ये कैसा है। ठीक है, मतलब सेल, और उसके बाद मेंटल लेयर की बात कर रहा है क्या, ये मेंटल लेयर की बात करेगा। फिर उसके बाद गिल्स, इनके अंदर गिल्स सिस्टम कैसे होता है, नर्वस सिस्टम कैसे पाया जाए इनके बॉडी के अंदर, उसके मसल्स कैसे होते हैं इनके बॉडी के अंदर, एंड इनके अंदर रेडुला कैसा होता है, ये सारे के सारे जो फीचर्स हैं इन्हीं के बेसिस पे कहीं ना कहीं हम लोग मोलस्का को डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे बेटा, मोलस्का को डिवाइड करेंगे, ये चीज आपको ध्यान दी जाए। ठीक है, अच्छा यूसुफ कहां होता है, वहीं। ओके बेटा, अभी हम लोग एक सीरीज, हम देखो मैंने बोला था, पहले से प्रॉमिस किया हूं कि एक यूनिट पूरा यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, यही बात हुआ था ना कि बॉटनी का एक यूनिट और जूलॉजी का एक यूनिट पूरा यूट्यूब पे पढ़ाएंगे, उसके बाद की जो क्लासेस होंगी वो ऐप पे मिलेंगी। ठीक है, तो दो क्लास और यूट्यूब पे आपको मिल जाएगा मेरा, जूलॉजी का, बॉटनी के दो क्लास और मिलेंगे, उसके बाद सारा जो मटेरियल होगा वो यूट्यूब पे नहीं एप्लीकेशंस पे ही लाइव चला जाएगा। ठीक है साक्षी, चलते हैं। सर भिनार से, हाँ भिनार, अभी बॉटनी लेंगे बेटा, जस्ट इसके बाद के क्लास के बाद बॉटनी लगेंगे, आज से बॉटनी क्लास भी चलेगी, चिंता ना करना। ठीक, तो क्लियर हो गया, ये क्या क्लियर कर रहे हैं, हमने क्लियर किया कि जो मोलस्का है, क्या मोलस्का है, मोलस्का को छह क्लासेस के अंदर डिवाइड हम लोग करेंगे। तो आओ बेटा, ये छह क्लास क्या है इनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं प्यारे से छोटे से ग्राफ के अंदर। ठीक है, आप देख पा रहे हो ये मोलस्का है और ये हमारे क्या है, क्लासेस है। पहला क्लास हमारे पास, दूसरा क्लास, तीसरा क्लास, चौथा, और ये पांचवा, और ये छठा। तो हमने जैसे देखा कि हमारे पास कितने क्लासेस होंगे, आपके यहाँ पे हमारे छह क्लासेस आपको देखने के लिए मिल जाएगा। अब ये जो छह क्लासेस हमें देखने के लिए मिल रहा है इनके बारे में क्या कहें, जो पहला क्लास हमारे पास है वो क्या बेटा, मोनोप्लाकोफेरा। जो मोनोप्लाकोफेरा है यहां से स्टार्ट करेंगे और आ जाएंगे कहां पे, हम लास्ट वाले के पास आ जाएंगे, हमको बोलते हैं इसको सिफेलोफोरा या सिफेलोपोडा के पास। तो सिफेलोपोडा और यहां पे क्या बोलते हैं, मोनोप्लाक्टोफोरा। ये जो जो हमारे पास क्या है, मोनोप्लाक्टोफोरा है और सिफेलोपोडा है, ये छह क्लास के अंदर पूरा का पूरा जो क्लासिफिकेशन सिस्टम है वो हमारा क्या होगा बेटा, डिवाइड होगा। ठीक है, तो मैं इसको इसलिए बना दिया हूं, बहुत मेहनत लगता है इसको बनाने में कि एक एक लाइन टाइप करना और इसको थोड़ा ग्राफ दिखाना, ताकि बच्चों को जब भी मेरे क्लास के अंदर आप यदि क्लासेस ले रहे हैं तो आप ऐप के ऊपर देख पा रहे हैं तो आपको पीडीएफ मिलता है, तो पीडीएफ को जूम आउट करके उसको क्या करिए बेटा, एकदम अच्छे से पेपर पे बनाइए इसको। हर क्लासिफिकेशन का मैंने ये ग्राफ दे रखा है, तो प्लीज सारे बच्चे सभी के सभी क्लासेस के ग्राफ को
ठीक तरीके से बना लेंगे ताकि उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, क्या उनको कोई प्रॉब्लम ना हो, और वो अच्छे तरीके से हर एक क्लासेस को, हर एक ऑर्डर को, हर एक सब ऑर्डर को सही तरीके से डिस्कस कर पाए, उनको एक नजरिया में पूरा दिख जाए। ठीक है, ये मेरा मतलब होता है कि आपको जैसे ढूंढना पड़ेगा कि बारी से इसके बारे के बाद कौन आएगा, इसके बारे के बाद कौन आएगा, लेकिन यहाँ पे ऐसा चीजें नहीं है, इसी क्लास के अंदर एक एक बार में आप देख सकते हो। ठीक है बेटा, चलते हैं बेटा। साक्षी क्या हुआ बेटा? ठीक है, चलते हैं बेटा, शुरू करते हैं। आपको जिसको स्क्रीनशॉट करना है वो ले लो, ठीक है, जिसको स्क्रीनशॉट लेना है ले लो, फिर हम लोग आगे चलते हैं। चलिए शुरू करें आगे। एनीवन, किसी को कोई डाउट है तो आप बताएं मुझे। केमिस्ट्री भी पढ़ा देंगे बेटा, कोई नहीं, पहले एक यूनिट खत्म तो कर लो जूलॉजी बेटा, जूलॉजी एक यूनिट खत्म कर लो, फिर उसके बाद हम लोग केमिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, चिंता ना करो। कोई डाउट किसी को बेटा? एनीवन एनीवन, कुछ कोई प्रॉब्लम है तो पूछ लो, फिर मैं क्लास से स्टार्ट करूंगा तो बोलूंगा नहीं। सही से नहीं दिख रहा है मेरे पास? सही दिख रहा है बेटा? मेरे पास सही दिख रहा है? ठीक है, अरे जूम कहां से करे बेटा, मेरे पास दिख रहा है, ये स्क्रीनशॉट कर लो, जूम करेंगे तो कट जाएगा, जूम करेंगे तो कट जाएगा, समझ नहीं रहे हो ना? एकदम ठीक दिख रहा है बेटा, आप कर लीजिए इसको। ठीक है, चलते हैं शुरू में, यानी सबसे पहले हम लोग बात करते हैं आज क्लास नंबर फर्स्ट की। किसकी बात करेंगे? क्लास नंबर फर्स्ट की, जिसको बोलते हैं मोनोप्लाक्टोफोरा। ये मोनोप्लाकोफोरा बोलते हैं, क्या? मोनोप्लाकोफोरा। ये मोनोप्लाकोफोरा क्या है, पर्टिकुलर इनके क्या कमेंट्स हैं, इनके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। चलो आ जाओ। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं, कहता है कि मोनो मतलब होता है वन, प्लॉक्स मतलब होता है प्लेट। ठीक है, यानी इनके अंदर कितने बेटा होंगे? एक ही प्लेट पाए जाएंगे। क्या पाए जाएंगे? एक ही प्लेट के अंदर ये, और फिर इनका मतलब होता है बैरिंग। क्या होता है? बैरिंग, नहीं, एक प्लेट के, यानी ऐसा कोई स्पीशीज होगा जिसके बॉडी के अंदर कोई एक प्लेट होगा जिसकी वजह से ये लोकोमोशन करता हुआ नजर आएगा। तो चलो आ जाओ, पहला कमेंट क्या कह रहा है? कह रहा है बॉडी, जो उनकी बॉडी होगी कैसी होगी बेटा? बाइलेटरल सिमेट्रिकल होगी। कैसी होगी? बाइलेटरल सिमेट्रिकल कंडीशंस में होगी, और इनकी बॉडी सिगमेंटेड होगी, यानी अलग अलग खंडों में क्या होगी? बटी होगी। ठीक है, और मेंटल इज डन, यानी हमारे पास क्या होगा? मेंटल, मेंटल का मतलब होता है कि इनके ऊपर का जो लेयर है, हार्ड लेयर जैसे इसको बोलते हैं ना, जैसे ये देखो, ये क्या है बेटा? ये हमारा मेंटल वाला लेयर है, तो इनके ऊपर मेंटल पाया जाएगा। कैसा पाया जाएगा बेटा? गुंबद नुमा। किसको बोलते हैं इसको? गुंबद नुमा मेंटल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे डम साइज का आपको क्या मिल जाएगा? मेंटल देखने के लिए मिल जाएगा। इसको बोलते हैं क्या? इसको बोलते हैं बाहरी कवच। ठीक है, क्या कहते हैं ये मेंटल जो है बेटा? बाहरी कवच का, बाहरी कवच होता है जो किसकी बनी होती है? जो कैल्शियम CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। ठीक है, तो पहला कमेंट क्या होगा बेटा? ये जो हमारा स्पीसीज है, क्या है? ये जो हमारा स्पीसीज है जिसको बोलते हैं क्या? यहाँ पे नियोपिलाइना। क्या बोलते हैं? नियोपिलाइना है। नियोपिलाइना जो होता है वो मोनोप्लाकोफोरा को इंडिकेट करता है, यानी इनकी जो बॉडी होती कैसे होगी? पहली बॉडी बोल रही है कि भैया ये कैसे होंगे? ये हमारे पास बाइलेटरल होंगे। कैसे होंगे? बाइलेटरल होंगे। ठीक है, दूसरा क्या कह रहा है कि ये अलग अलग खंडों में डिवाइड हो गए, यानी कैसे होंगे बेटा? ये हमारे सिगमेंटेड होंगे। कैसे? सिगमेंटेड कंडीशंस में होंगे। उसके बाद कह रहा है कि इनके ऊपर का जो ये लेयर है, ये जो गुंबज, ये जो इनके ऊपर पूरा कैप्सूल नुमा संरचना पाया जा रहा है, ये कैप्सूल नुमा कैसा होगा बेटा? इनको बोलेंगे ये कैसा होगा? डम साइज का होगा, यानी कहने का मतलब इसको बोलते हैं हिंदी में, हम बोलते हैं गुंबद। क्या बोलते हैं? गुंबद नुमा। ठीक है,
गुंबदनुमा मेंटल आपको देखने के लिए मिल जाएगा। पहला बेसिक से स्ट्रक्चर है, क्या बेटा है? पहला बेसिक स्ट्रक्चर से ये आपके पास दिख रहा है। उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे, कहता है कि इनकी जो सेल होती है कैसे होती है बेटा, फ्लैटेड कंडीशंस में होती है। क्या होती है? इनकी जो सेल होती है कैसे होती है? फ्लैटेड, फ्लैटेड मतलब होता है कि नीचे की तरफ क्या होगा, फैला हुआ होगा, ठीक है। और कहता है कि यहाँ पे क्या बताया है? कहता है कि लिम प्रिंट, क्या बोलते हैं इसको, लिम प्रिंट, लिम प्रिंट, लिम पेंट और सिप्ड। लिम पेंट का मतलब होता है कि कहने का कि नीचे और जो होगा सर्पिल होगा, यानी फैला होगा, चपटा जिसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चपटा बोलते हैं। और एक कुंडलित जैसा, कह रहे हैं स्पाइरल कोलाइड और प्रोटोकॉन्स, यानी प्रोटोकॉन जो होगा वो कैसा होगा, कोलाइड कंडीशंस में पाया जाएगा। यानी इनके ऊपर ये देख पा रहे हो ना, इसका ये दूसरा वर्जन है, ये ऊपर का तरफ है, ये अंदर का तरफ का है, ठीक है। अब देखो ये जो यही लेयर कह रहा है कि ये कैसा है, इनके बॉडी के अंदर जो पूरा स्ट्रक्चर है वो कैसा है, कोलाइड फॉर्म में, और इसी के वजह से क्या करता है बेटा, लोकोमोशन करता हुआ नजर आएगा। किसके द्वारा? ये इसके वजह से लोकोमोशन करता हुआ नजर आएगा, ये चीज आपको ध्यान रहे, ठीक है। अब इसके बारे में बात करते हैं थोड़ा और आगे, किनके बॉडी में क्या होगा, फूट पाया जाएगा, पैर होगा चलने के लिए, कैसा होगा, पैर चलने के लिए होगा। अब जो पैर चलने के लिए होगा बेटा, वो कितना पेयर होगा, इनके बारे में बात करें तो इनके अंदर पैर नहीं होता, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर पैडल होते हैं, रेक्टर बोलते हैं, क्या होते हैं, रेक्टर, ठीक है। कहीं दिया होगा यहाँ पे, देखो कहता है कि ये ब्रॉड होते हैं, फ्लैटेड होते हैं, कहता है एंड पेयर, आठ जोड़ों में पाए जाएंगे, जो यहाँ पाया जा रहा है ना, आठ जोड़ों में पाए जाएंगे। और ये पैडल रोटेटर मसल्स होते हैं, यानी धीरे धीरे, जैसे ऐसे, जैसे आप रोटेटर देखो ना, ऐसे जाएंगे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे, यानी धीरे धीरे एक दूसरे क्या करेंगे, रोटेट करते रहेंगे, और धीरे 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 जो हमारा नियोपिलाइना है उसको वो आगे की ओर क्या करते रहेंगे, बढ़ाते रहेंगे, क्या करते रहेंगे बेटा, बढ़ाते रहेंगे। तो आपको ध्यान देना होगा कि इनके बॉडी में जो पैर होगा वो कैसा होगा, चौड़ा होगा, सपाट होगा, आठ जोड़ियों में बना होगा, और कैसा होगा, ये रेक्टर बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, रेक्टर, रेक्टर और मसल्स के बने होते हैं, जिसके द्वारा क्या करते हैं, लगातार लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, ये चीज आपको याद होना चाहिए, ठीक है बेटा। बाद में कमेंट कीजिएगा, पढ़ा लेने दो पहले, ठीक। आगे कहता है कि अब क्या कहें बेटा, अब कहता है इनके अंदर कितना मिलेगा, पांच जोड़ी हमारे पास गिल्स मिल जाएंगे, क्या मिल जाएंगे, पांच जोड़ी गिल्स मिल जाएंगे, और इसी पांच जोड़ी गिल्स के वजह से क्या करेगा बेटा, ये रिस्पायरेशन संबंधित जितने भी काम होते हैं वो करने का काम करता है। और ये जो गिल्स होते हैं कहाँ पाए जाएंगे, गिल्स पाए जाते हैं, इसको बोलते हैं पेनियल नर्व, सॉरी क्या, पेनियल क्या बोलता है यहाँ पे, सॉरी कहाँ गया, पांच जोड़ी गिल्स पाया जाएगा, विच आर, ठीक है, क्या बोलता है, पैलेल, पैलेल ग्रो, पैलल ग्रो आपको देखने को मिल जाएगा। तो भैया इसको नोट कर लेना, कभी कभी पूछेगा, क्या पूछेगा कि मोलस्का के अंदर जो गिल्स होते हैं वो कहाँ पाए जाते हैं, तो आपको बताना पड़ेगा कि मोलस्का के अंदर जो गिल्स पाए जाते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, इसको बोलते हैं पैलिलियल, पैलिलियल ग्रो के अंदर, यानी खाच होता है, गड्ढा होता है, उसी गड्ढे के अंदर आपको देखने मिल जाएगा, कितना बेटा, पांच जोड़ी, यानी दस ठो मिल जाएगा। उसके बाद आगे क्या कहता है बेटा, इनके अंदर नेफ्रेडिया होते हैं, कितने, सिक्स पेयर नेफ्रेडिया पाए जाएंगे। नेफ्रेडिया क्या करेगा, नेफ्रेडिया इनके अंदर ऑस्क्रेशन, यानी उत्सर्जन का काम करता है, क्या करता है बेटा, उत्सर्जन का काम करता है, यानी उत्सर्जन के काम के लिए इनके बॉडी के अंदर छह नेफ्रेडिया, छह पेयर नेफ्रेडिया, यानी बारह नेफ्रेडिया आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और कहता है कि इसी बारह नेफ्रेडिया में से दो जो होते हैं वो क्या होते हैं, वो मॉडिफाइड हो जाते हैं, अपने आप को बदल लेते हैं, और बदलने के बाद क्या बोलते हैं, गोनोडक्ट का निर्माण करते हैं। जो हमारे गोनोडक्ट मतलब होता है कि भैया ये अब आगे चल के जो हमारे पास मोलस्का है, मोलस्का के स्पेशली रिप्रोडक्शन सिस्टम के अंदर काम करना स्टार्ट कर देंगे। तो आपको एक चीज ध्यान देना पड़ेगा, क्या बेटा, यहाँ पे कि इनके अंदर छह पेयर, कितना बेटा, छह पेयर, यानी कुल मिला जुला के बारह क्या पाए जाएंगे, नेफ्रेडिया पाया जाएगा, और जिसमें से दो नेफ्रेडिया जो होगा बेटा वो मॉडिफाई हो जाएगा, और मॉडिफाई होकर क्या बना लेगा, वो गोनोडक्ट का निर्माण कर लेगा, यानी जनन अंग बना लेगा, क्या बना लेगा, जनन अंग बना लेगा, ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। आगे कहता है कि जो एस्टेंटाइन पाया जाएगा इनके बॉडी के अंदर, एस्टेंटाइन कैसा होगा बेटा, कोलाइड होगा, कैसा, कोलाइड का मतलब होता है कि ये कैसे होंगे, कुंडलित होंगे, आपस में घिरे होंगे, कैसे होंगे, कुंडलित, यानी आपस में घिरे होंगे। अब उसके बाद कहता है रेडुला प्रेजेंट इन रेडुलर सेक, यानी इनके अंदर रेडुला प्रेजेंट होगा, क्या होगा, रेडुला
प्रेजेंट होगा किसके अंदर, रेडुलर सेल के अंदर, या रेडुलर सेल मतलब एक होता है थैली नुमा संरचना होती है रेडुलर, उसके बॉडी के अंदर ये क्या होगा, बंधा होगा। ये चीज आपको ध्यान रहे। अरे बेटा क्लास तो ले लेने दो, पहले क्लास लेने दो, फिर उसके बाद आप मुझे कमेंट करिएगा, मैं 5 मिनट बैठ के देख लूंगा, पहले पढ़ा लेने दो, बहुत लंबा क्लास है, 20 PPT है, 1.5 घंटा लगेगा, ठीक है, पहले क्लास लेने दो, फिर आराम से आप कमेंट करना, मैं आप सारा जवाब दूंगा आपका। हाँ नहीं समझ में आता तो पूछो, लेकिन किसी दूसरे क्लास के बारे में पूछ रहे हो तो वो अभी मत करो, ठीक, आपको याद हो जाएगा बेटा। आप बता देना ये भी आपके लिए एमपी है कि इसके अंदर रेडुला होता है कि नहीं होता है बेटा, रेडुला जो होगा वो प्रेजेंट होगा। आगे कहता है जो हार्ट, क्या होगा बेटा इनके अंदर, इनके अंदर हृदय पाया जाएगा, दिल पाया जाएगा, ठीक है, क्या पाया जाएगा, दिल पाया जाएगा। कैसा दिल होगा बेटा, दो पेयर ऑफ, ठीक है, यानी दो पेयर में बना होगा, कैसा बना होगा बेटा, कहता है कि टू पेयर ऑफ, यहाँ पे अलिंद पाया जाएगा, यानी कितना पाया जाएगा बेटा, टू पेयर ऑफ अलिंद, उसके बाद क्या मिलेगा, सिंगल वेंट्रिकल आपको देखने मिलेगा। तो यहाँ पे हमारे पास जो अलिंद और नीले हैं, इनकी कहानी की बात करें तो हृदय में क्या होगा, दो जोड़ी क्या होंगी बेटा, अलिंद पाया जाएगा और एक जोड़ी क्या होगा, नीले पाया जाएगा, यानी कुल मिलेगा कितना बेटा, 5 ठो, यानी इनके अंदर 5 चेम्बर बना होगा, ठीक है, 2 अलिंद का और एक किसका बेटा, नीले का। यदि बात करते हैं नर्वस सिस्टम की, तंत्रिका तंत्र के बारे में, तो हम बता दें आपको कि तंत्रिका तंत्र लॉन्गिट्यूडनल होगा, यानी बॉडी के एक एक्सिस से स्टार्ट होगा, बॉडी के दूसरे एक्सिस से ऐसे यहां से स्टार्ट होगा, ऐसे पूरे बॉडी में फैला होगा, फ्लैटेड कंडीशन में होगा, यानी कहने का मतलब होगा कि वो लॉन्गिट्यूडनल कंडीशंस में पाया जाएगा, ठीक है। और एक चीज ध्यान देना है कि हमारे पास जो ये ग्रोथ था, यानी हमारे पास जो क्या होते हैं, इनको बोलते हैं पेलियन, क्या बोलते हैं, पेलियन, पेलियन एंड जो हमारे पास पेडल कॉर्ड इनके बॉडी के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा, जो नर्वस सिस्टम से अटैच होते हैं, ठीक। तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि नर्वस सिस्टम कैसा होगा बेटा, लॉन्गिट्यूडनल होगा, और यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमारे पास दूसरा है जिसको बोलते हैं पेलियल, ठीक है, पेलियल एंड पेडल कॉर्ड यहाँ पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये जो दोनों क्वेश्चन है बेटा ना, तो ये मल्टीपल चॉइस के अंदर, यानी MCQ के अंदर आप देखेंगे, आगे चलेंगे आप MSC के एग्जाम देंगे, ठीक है, आप आगे चल के यदि नेट का एग्जाम देंगे, ठीक है, या आगे चल के आप BPSC, ठीक है, BPSC का एग्जाम देंगे, तो भी आपको ऐसे क्वेश्चंस मल्टीपल चॉइस में कभी कभी आपसे पूछे जाते हैं। तो आप इन चीजों को ध्यान देना कि भैया बताओ कि जो हमारा मोलस्का होता है उनमें किस तरह का कार्ड मिलता है, तो हमारे अंदर नोटो कार्ड होता है, लेकिन इनके अंदर कौन कार्ड होता है बेटा, पेलियन कार्ड होता है और पेडल कार्ड होता है। इन चीजों को आप ध्यान दीजिएगा, अच्छा काम आएगा आपके बॉडी के लिए, ठीक है, मतलब आपके परीक्षा के लिए, ठीक। तो ये बेटा क्लियर हो गया। आप एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल यहाँ पे छोटा सा है, नियोपिलाइना, क्या है, न्यूपिलाइना ग्लैथी, क्या बोलते हैं, ग्लैथी। तो न्यूपिलाइना जो ग्लैथी है, ग्लैथी जो है वो क्या है, वो हमारे मोनोप्लाकोफोरा का एग्जाम्पल है, जो आपको यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो न्यूपिलाइना को आप डिस्कस करके अच्छे तरीके से क्लियर कर लेंगे, ठीक है बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ झारखंड के बच्चे ये क्लास हमारा वेरी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये यूसुफ बेटा तुमको लग जाएगा या फिर हम तुमको निकाल देंगे क्लास के बाहर, ठीक है, ये फालतू का अभी बात नहीं करो एकदम, ठीक, बाद में बताना, पहले आप ऐप पहले इसके स्क्रीनशॉट कर लो, फिर हम आगे बढ़ते हैं। पहले इसको क्लियर कर लो बेटा, क्लास नंबर फर्स्ट हमारे पास था मोनोप्लाकोफोरा, क्या था बेटा, मोनोप्लाकोफोरा, क्लियर कर लो फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है आगे चलें, अगला हमारे पास है दूसरा क्लास, क्या, क्लास नंबर 2 के बारे में बात करें, क्या बात करें बेटा, क्लास नंबर 2 के बारे में बात करें। क्लास 2 क्या कहता है, इसको बोलते हैं एम्फीनूरा, क्या बोलते हैं, एम्फीनूरा।
एम्फीनूरा का मतलब क्या है बेटा? यहाँ पे दोनों न्यूरॉन आपको देखने मिलेंगे, यानी दो न्यूरॉन आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो चलो क्या कहता है यहाँ पे, कहता है बोथ न्यूरॉन। ठीक, तो पहला क्या कह रहा है बेटा, कह रहा है कि बॉडी इलांगेटेड, यानी बॉडी कैसा होगा, लंबा पाया जाएगा। कैसा होगा, इनकी बॉडी लंबा होगा, इनका जो खोपड़ा होगा बेटा कैसा होगा, इनका कहता है रिड्यूस्ड हेड, यानी इनका सर क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है, अगला कह रहा है कि भैया रेडुला जो होगा बेटा वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, अगला सेल के अंदर क्या पाए जाएंगे, 8 डार्सल प्लेट पाए जाएंगे एज ए स्पिक्यूल, यानी कांटे लाइक, कैसे, कांटेदार संरचना के साथ। कैसे पाए जाएंगे बेटा, कांटेदार संरचना के साथ पाए जाएंगे, यानी ऐसा कोई हमारा क्या हो, ऐसा कोई हमारा स्पीसीज हो तो इनके नीचे डार्सल साइज, देखो ये हमारा होता है वेंट्रल, क्या होता है वेंट्रल, और ये होता हमारा क्या बेटा, ये होता हमारा डार्सल, क्या होता है डार्सल। तो यहाँ पे क्या मिलेगा, यहाँ पे इस वाले हिस्से में क्या मिलेगा बेटा, 8 पेयर, कितना बेटा, 8 अलग अलग हमें प्लेट मिलेंगे, और इस प्लेट को क्या कहेंगे, एज ए स्पिक्यूल के रूप में, यानी कांटे नुमा संरचना के साथ ये दिखने के लिए मिलेगा। ठीक है बेटा, और कह रहा जो यहाँ पे फूट एज ए वेंट्रल, यानी फूट कहाँ पे आ जाएगा, ऊपर की तरफ आपको देखने मिलेगा, सॉरी एक मिनट उल्टा बोल दिया मैंने, ये क्या हो गया मुझे, ऐसे देखो ये क्या मिला, मैंने मैंने बोला डार्सल एरिया ऊपर होगा, यहाँ पे जो होगा क्या, यहाँ पे 8 छोटे छोटे क्या मिलेंगे, स्पिक्यूल मिलेंगे, क्या मिलेंगे, 8 छोटे छोटे स्पिक्यूल मिल जाएंगे, और नीचे की ओर यहाँ पे, ठीक है, नीचे ये निचला हिस्सा है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं वेंट्रल, क्या बोलते हैं बेटा, वेंट्रल, और इस हिस्से को क्या बोलते हैं बेटा, डार्सल। ठीक है, क्या बोलते हैं, डार्सल बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पे नीचे क्या होगा, जो फूट, फुट मतलब बात कर रहा किसके बेटा, पैर की, तो पैर कैसा मिलेगा, ये लार्ज होगा, कैसा होगा, लंबा होगा, फ्लैट यानी चपटा होगा, एंड मस्कुलर यानी मांस पेशियों का बना होगा, कैसा होगा, मस्कुलर यानी मांस पेशियों का बना होगा, किसी भी टाइप का कोई भी बोन देखने के लिए नहीं मिलेगा। ये चीज आपको ध्यान रहे, इनके बॉडी के अंदर जो पैर होता है उसमें किसी भी टाइप का कोई भी बोन आपको नहीं मिलता है। ठीक, तो क्लियर हो जाएगा कि इनके अंदर नीचे की ओर पैर होगा, फ्लैट होगा यानी चपटा होगा, पत्ता नुमा संरचना के साथ पाया जाएगा, लार्ज होगा, थोड़ा लंबा हो सकता है, और मस्कुलर यानी मसल्स के बने होंगे। ठीक, आगे कह रहा है बेटा फर्टिलाइजेशन के बारे में बात करें, तो फर्टिलाइजेशन कैसा होगा बेटा, एक्सटर्नल होगा, यानी जो भी ये अंडे पहले देंगे, क्या देंगे, अंडे देंगे। ठीक है, क्या देंगे बेटा, अंडे देंगे, ये जो अंडे होंगे, जो ईग होंगे, वो क्या, वो हमारे एक्सटर्नल मतलब इन्वायरमेंट के तरफ, इनके बॉडी के अंदर नहीं, बॉडी के बाहर डेवलपमेंट होंगे, और इनके बॉडी में जो डेवलपमेंट होगा बेटा वो इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ द ट्रोकोफोर लार्वा, क्या बनेगा, इंटरमीडिएट स्टेज ऑफ ट्रोकोफोर लार्वा, यानी इनके बॉडी के अंदर जो एम्फीनूरा है, एम्फीनूरा के अंदर ट्रोकोफोर लार्वा बनेगा, और ये ट्रोकोफोर लार्वा मोलस्का का सबसे इंपॉर्टेंट लार्वा है। क्या है बेटा, मोलस्का का सबसे इंपॉर्टेंट लार्वा है। आप एमएससी क्लास करोगे तो एमएससी क्लास के अंदर स्पेशली ट्रोकोफोर लार्वा पूछा जाता है। ठीक है, तो आपको ध्यान देना पड़ेगा कि भैया इनके अंदर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, बाहर होगा, जब अंडा बाहर निकलेगा, अंडे से क्या बनेगा, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, कैसा, एक ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, ऐसे कह लो कि ऐसे बना लो, ठीक है, इनको ऐसे बोलते हैं, ये ऐसा एक स्ट्रक्चर बनता है, एक इसी को बोलते हैं टोकोफोर लार्वा बनता है। पहले अंडा यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे हमें एग मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, एग मिल जाएगा, भैया ये एग हो गया, क्या हो गया, एग हो गया, एग हो गया, ये क्या हो गया, ये टोकोफोर लार्वा हो गया, क्या हो गया बेटा, ये टोकोफोर लार्वा हो गया। तो टोकोफोर लार्वा और इसके बीच के जो एक्टिविटी होंगे उसको बोलते हैं डेवलपमेंट, क्या बोलते हैं, डेवलपमेंट, परिवर्धन, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, हिंदी में डेवलपमेंट को वृद्धि और विकास मत बोल देना, गलती हो जाएगा। ठीक है, ये बायोलॉजी है, बायोलॉजी में डेवलपमेंट का मतलब होता है, ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोलते हैं परिवर्धन, ठीक है, परिवर्धन बोलते हैं। ठीक है, तो इनके बॉडी के अंदर परिवर्धन होगा, और इस परिवर्धन के द्वारा जो अंडे होंगे, क्या होंगे, जो अंडे होंगे वो बदल जाएंगे किसके अंदर, वो बदल जाएंगे यहाँ पे ट्रोको, क्या बोलते हैं, ट्रोकोफोर लार्वा, क्या बदल जाएंगे बेटा, ट्रोकोफोर जो लार्वा होगा, लार्वा में वो बदल जाएंगे। तो आपको बेटा ये याद रखना पड़ेगा हमेशा हमेशा के लिए, चाहे आप बीएससी की क्लास ले रहे हो, चाहे आप एमएससी की क्लास ले रहे हो, ठीक है, चाहे आप नेट की क्लास ले रहे हो, चाहे आप बीपीएससी क्लास ले रहे हो, किसी की क्लास ले रहे हो, कहीं भी वीडियो ये बात
ये देख पाते हो आप, तो उनके लिए बता दूं टोकोफोर लार्वा एज ए मोस्ट इंपोर्टेंट लार्वा इन मोलस्का फाइलम, यानी मोलस्का फाइलम के अंदर सबसे महत्वपूर्ण कोई लार्वा है तो वो है टोकोफोर लार्वा। मैं बार बार बोल रहा हूं इसको, आप याद रखिएगा, आपसे पूछा जाएगा, इसको रेड बटन लगा के ऊपर लिख लीजिए, आपको ये याद होना चाहिए, बाद में कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाला। ठीक है बेटा, झारखंड है बेटा, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले, आगे अभी क्या कह रहा है बेटा कि जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो जंतु होते हैं एम्फीनूरा का, एम्फीनूरा के जितने भी स्पीसीज होते हैं सबके सब कैसे होते हैं, मेराइनल होते हैं, सबके सब समुद्र में आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। तो नोट कर लो बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं, यहां पे आप नोट करें, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अभी देखो जब आगे बढ़ते हो तो ये देखा जाता है कि जो एम्फीनूरा है, क्या है, जो एम्फीनूरा है, एम्फीनूरा को दो अलग अलग क्लासेस के अंदर, सॉरी, दो अलग अलग सब क्लासेस के अंदर डिवाइड किया गया, क्या, दो सब क्लासेस के अंदर इनको डिवाइड किया गया है। बात करते हैं पहले क्लास, जिसको बोलते हैं क्या, अपला, क्या बोलते हैं, अप्लाकोफोरा। अप्लाकोफोरा के बारे में बात करें कि अप्लाकोफोरा क्या कहता है, कहता है बॉडी वार्म लाइक, कैसी होगी बॉडी, कीट जैसी, कहता है कीम क्रिमी, कैसी होगी बॉडी, कैसी होगी बेटा, ये वार्म लाइक, वार्म क्या बोलते हैं, बॉडी वार्म लाइक होगी, पहला चीज हो गया। दूसरा चीज क्या है, ये वार्म लाइक मतलब समझे क्रीमी नुमा, कैसे कहते हैं इसको, क्रीमी बोलते हैं, ऐसे बोलते हैं ना, ठीक है, ऐसे रहेगा, कैसे रहेगा, मुझे हिंदी कम आती है, ये क्रीमी ना, ऐसे बोलते हैं, पता नहीं, मुझे नहीं पता, भैया वर्म लाइक होते हैं बेटा, क्रीमी नुमा होते हैं, और इनके बॉडी के ऊपर किसी भी टाइप का कोई भी लेयर, कोई भी मेंटल यानी कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 का कोई भी लेयर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। और इनके बॉडी के अंदर आपको जो फूट होता है, जो पैर होता है, पैर भी देखने के लिए नहीं मिलेगा आपको। ये चीज आपको ध्यान रखना चाहिए, ना इनके बॉडी पे कोई मेंटल लेयर पाया जाएगा, ना कोई सेल पाया जाएगा, ना ही इनके बॉडी पे किसी टाइप का कोई भी पैर पाया जाएगा। और बोलता है जो रेडुला इनके बॉडी के अंदर होगा वो कैसा पाया जाएगा बेटा, वो काफी सिंपल रेडुला पाया जाएगा, सिंपल रेडुला, ठीक है। और यहाँ पे कहता क्या है, कैलकेरियस स्पिक्यूल्स, यानी इनके बॉडी के ऊपर कैल्शियम की बनी हुई, किसकी, कैल्शियम की बनी हुई क्या पाया जाएगी, कुछ हमारे पास स्पिक्यूल पाए जाएंगे, क्या पाए जाएंगे, स्पिक्यूल मतलब होता है कांटे नुमा संरचना आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है, क्या मिलेंगे, कांटे नुमा संरचना आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है, जो क्यूटिकल लेयर से बने, मतलब क्यूटिकल लेयर से दबे होंगे। आगे कहता है ये पेयर ऑफ, यानी इनके इनके बॉडी के अंदर, क्या, इनके बॉडी के अंदर बोलता है वाल्वाइन, क्या बोलते हैं, वाल्वाइन कैटनीडिया, वाल्वाइन कैटनीडिया पाया जाएगा, जो कहीं ना कहीं क्या करेगा, इनके बॉडी में स्क्रेटरी सिस्टम के द्वारा काम करता है, किसके तरह, स्क्रेटरी सिस्टम के द्वारा काम करता है। एक एग्जांपल आपको रखना है तो एग्जांपल आप प्यारा से एग्जांपल कोई भी रख सकते हो, जैसे हमारे पास क्या है, इनको बोलते हैं चाइटोडर्मा, क्या, चाइटोडर्म, चाइटोडर्मा जो है ये हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है किसका, अप्लाकोफोरा का, ठीक है बेटा, तो नोट कर लो इसको। हाँ बेटा बोलो, ठीक है, क्या करोगे, अप्लाकोफोरा के बारे में यहाँ पे डिस्कस करोगे, ठीक है बेटा, आगे बात करते हैं। अगला हमारे पास है सब क्लास टू, क्या है, दूसरा सब क्लास जिसको बोलते हैं पॉली अप्लाकोफोरा, यहाँ पे अप्लाकोफोरा था, यहाँ पे क्या है बेटा, दूसरा क्या है, पॉली अप्लाकोफोरा। कहता है बॉडी इज डार्सल, क्या, डार्सो वेंट्रल फ्लैटेड, यानी जो बॉडी होगी वो चपटा होगा, पत्ता नुमा, कैसा होगा बेटा, पत्ता नुमा चपटा पाया जाएगा। और जो इनका सर होता है कैसा होता है, सर छोटा पाया जाएगा। विदाउट आइस, इनके अंदर कोई आइस नहीं पाए जाएंगे। एंड टेंटिकल्स, क्या, एंड टेंटिकल्स, यानी कहने का मतलब सिंपल तरीके से है कि इनके बॉडी कैसी होगी, फ्लैटेड होगी, डार्सल फ्लैटेड होगी, चपटी होगी, ठीक है।
कैसे होगी, चपटी होगी, और इनका जो सर होगा वो छोटा पाया जाएगा, और इनके आंखें और स्पर्शक इनके बॉडी के अंदर ना ही टेंटिकल्स उपस्थित होंगे ना इनके बॉडी के अंदर आइस पाई जाएंगी। ठीक है, तो पहला बात हो गया। दूसरा कह रहा है कि रेडुला, यहाँ करो बेटा, रेडुला मेंटल फूड एंड एक्सटर्नल गिल्स प्रेजेंट, यानी मेडुला पाया जाएगा, मेंटल पाया जाएगा, फूड पाया जाएगा, एक्सटर्नल गिल्स आपको देखने के लिए मिल जाएंगे। अगला कह रहा है मेंटल कैविटीज प्रेजेंट टुवर्ड द बैक बैक साइड, यानी मेंटल कवर भी इनके बॉडी के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा, मेंटल कैविटी के, यानी मेंटल कैविटी पीछे की ओर पाया जाएगा बॉडी के। आगे था सेल इज इन द फॉर्म ऑफ 8 कैल्केरियस प्लेट, यानी कि बॉडी के अंदर जो सेल पाया जाएगा वो 8 प्लेटों का बना होगा जो कैल्शियम की बनी होगी। किसकी बनी होगी बेटा, 8 प्लेटों के साथ पाया जाएगा जो कैल्शियम की बनी होगी, ये चीज आपको ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है बेटा, इसको नोट कर लो, फिर आगे बढ़ते हैं। गुड मॉर्निंग बेटा, गुड मॉर्निंग सभी को। हाँ पूछ लो, क्या दिक्कत है। हो गया बेटा स्क्रीनशॉट। कोई नहीं, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। दूसरा देखो बेटा, हमारे पास जो हमारे पास क्या है यहाँ पे, क्या है, पॉली प्लाको, क्या बोलते हैं, पॉली प्लाकोफोरा। जो पॉली प्लाकोफोरा है इसको दो ऑर्डर के अंदर डिवाइड किया गया बेटा। पहला ऑर्डर हमारे पास यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, जिसको बोलते हैं क्या, जिसको बोलते हैं लेपिडो, क्या बोलते हैं, लेपिडो बोल दो, लेपिडो प्लेरिना, क्या बोलते हैं, लेपिडो प्लेरिना। तो लेपिडो प्लेरिना जो है ये इनके अंदर तीन कमेंट दिए गए हैं, आओ देख लो। पहले कहता है कि जो सेल वाल्व होगा वो विदाउट प्लेट, यानी यहाँ पे क्या होगा, सेल वाल्व बिना प्लेट का पाया जाएगा, ठीक है। उसके बाद कहता है कि अच्छा, बोलता है कि हमारे पास कैटेनेडिया जो होगा, ठीक है, क्या कैटेनेडिया फ्लूइड द पोस्टीरियर, यानी कैटेनेडिया जो कैटेनेडिया है, जो स्क्रेटरी सिस्टम है, वो कुछ हिस्सों में आपको देखने मिलेगा लेकिन बॉडी के पीछे की ओर मिलेगा। एग्जांपल हमारे पास क्या है, ये देखो, यही एग्जांपल है, ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हैं लेपिडो, क्या, लेपिडो प्लेरस। तो लेपिडो प्लेरस जो है वो एग्जांपल है किसका, लेपिडो, क्या, लेपिडो प्लेरिना का, ठीक है। इसको बोलने में भी बड़ी मेहनत लगता है, तो इसमें कुछ याद नहीं करना बेटा, ये दोनों लाइन याद रखना छोटे छोटे। फिर उसके बाद दूसरा हमारे पास क्लास है, क्या है, दूसरा क्लास है, सॉरी दूसरा ऑर्डर है, दूसरा ऑर्डर क्या है, इसको बोलते हैं चीटोनिडा, क्या बोलते हैं, चीटोनिडा। तो चीटोनिडा के बारे में बात करें, कहता है कि जो सेल वॉल होगा वो पाया जाएगा विथ, किसके साथ, प्लेट के साथ। ये बिना प्लेट का था, ये कैसा था, ये प्लेट के साथ पाया जाएगा। और अगला क्या बेटा, गिल्स पाया जाएगा, क्या, गिल्स पाया जाएगा, ये चीज का ध्यान देना है इनके बॉडी में कि क्या होगा, गिल्स पाया जाएगा, वो भी पूरे बॉडी के लंबाई के साथ, यानी इनकी बॉडी के जो पूरी लंबाई होगी, पूरे लंबाई के साथ आपको गिल्स इनके बॉडी के अंदर देखने मिलेगा। इनकी बॉडी जो होती है बेटा वो हाफ सिगमेंटेड होती है, यानी ऊपर से सिगमेंटेड नजर आती है, कैसी आती है, सिगमेंटेड कलर आती है। और यदि कलरेशन की बात करेंगे तो ये डार्क ब्लू कंडीशन में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। यदि एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल हमारे पास आता है जिसको बोलते हैं चीटोन, क्या बोलते हैं, चीटोन। तो चीटोन हमारा क्या है, एग्जाम्पल है, तो क्लियर हो जाएगा, बहुत छोटा छोटा है, आप इसको कॉपी करते रहो। सर हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, क्या ये उसमें भी पूछ सकता है, या बेटा आप यदि यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो, आप जूलॉजी ले रहे हो ना, आप यूपीएससी की तैयारी करना है, जिसको भी यूपीएससी तैयारी करना है, यदि जूलॉजी ऑप्शन लोगे तो जूलॉजी ऑप्शनल में हमारा पूरा बायोडायवर्सिटी है, ठीक है, यानी पूरा क्लासिफिकेशन आपको पढ़ने हैं, तो वहां पे आप डिस्कस कर सकते हो बड़ा आराम से, ठीक है, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। इसको कॉपी कर लो बेटा, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, बहुत छोटा छोटा है।
ठीक है आगे चलें। जो देखो तीसरा हमारे पास क्लास क्लास आ गया, क्या आ गया? ये कौन सा क्लास है बेटा? एक मिनट, ओके ओके आप स्क्रीनशॉट कर लो जिसको भी आया करना है। बीएससी नर्सिंग तैयारी कर रहा हूँ। ठीक है बेटा आगे देखो, क्लास नंबर थर्ड में क्या देखें, क्लास नंबर थर्ड को डिस्कस किया जाए। क्लास नंबर थर्ड को डिस्कस करते हैं, उसको बोलते हैं क्या बोलते हैं, स्काइफो। क्या बोलते हैं? स्काइफोपोडा। तो स्काइफोपोडा जो हमारे पास है कहता है क्या बेटा, इनके अंदर बोथ फूट यानी पैर जो होंगे वो साथ साथ आपको देखने मिलेंगे, और जितने भी एनिमल होंगे कैसे होंगे बेटा, मैराइनल होते हैं यानी जो हमारा समुद्र होता है ये समुद्र में मिल जाएंगे देखने के लिए। बॉडी कैसी होगी, बायलैटरल सिमेट्रिकल कंडीशन में होगी और लंबी पाई जाएगी, इनक्लोज्ड इन ए, यहाँ पे क्या कह रहा है, टस्क लाइक सेल ओपन बोथ एंड, यानी कहने का मतलब इनकी बॉडी कैसी होगी, ये ऐसे देख रहे हो ना इनकी बॉडी, ये हमारा पहले के समय में जो वो तलवार रखने वाला जो नहीं होता, क्या कहते हैं उसको, म्यान, क्या कहते हैं, जो तलवार रखने वाला म्यान होता है बेटा ना, उस म्यान के जैसा इनका बॉडी स्ट्रक्चर दिखेगा। अभी कह क्या रहा है कि बॉडी स्ट्रक्चर कैसे होगी, ये बाइलेटरल होगी, कैसे होगी, बाइलेटरल होगी, इलोंगेट मतलब लंबी पाई जाएगी, आपको दिख रहा है ठीक है, इनक्लोज इन ए, ठीक है, यानी कैसे होती है बेटा, एक टास्क लाइक स्ट्रक्चर होती है उनके अंदर, यानी इनके अंदर ये बॉडी पाई जाएगी। और दूसरा क्या कह रहा है बेटा, वह कह रहा है कि बोथ एंड, यानी कैसे होंगे, यहां भी ओपन होंगे और यहां भी क्या होंगे, ओपन होंगे, दोनों सिराएं इनकी क्या होंगी बेटा, वो खुली होंगी, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रहे। अगला कह रहा है भैया यहाँ पे क्या होगा, हेड और आईज, यानी सौर और आंख जो होगा बेटा वो अब्सेंट होगा, क्या होगा, सौर और आंख अब्सेंट होगा, लेकिन माउथ विथ टेंटिकल्स, क्या बोलता है, सर और आंख क्या होगा, अब्सेंट होगा, लेकिन इनके अंदर माउथ पाया जाएगा और इनके बॉडी के ऊपर टेंटिकल्स भी आपको देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक, ये चीज को आपको ध्यान देना पड़ेगा। आगे कह रहा है कि फूट जो होगा बेटा वो कॉनिकल फॉर्म में होगा, कैसा होगा, युग्मित होगा, और जो गोनाड होंगे सॉरी रेडुला इनके अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है, कॉनिकल कंडीशंस में होगा और रेडुला यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट है। एक भी ये चीज ध्यान देना कि रेडुला जो था वो किसके अंदर प्रेजेंट है, रेडुला क्या है बेटा, रेडुला जस्ट लाइक जैसे होता है ना भोजन करने वाले जो हिस्से होते हैं उनकी बारे में बात करेंगे, हम कभी बात करेंगे इसके और जनरल कैरेक्टर के बारे में बताया था कि रेडुला क्या है, ठीक है, बार बार मैं यहाँ पे नहीं बताऊंगा। आगे जो किडनी आर यहाँ पे क्या होगा, पेयर्ड, यानी पहला हमारा ऐसा ये ऑर्डर और सॉरी क्लासेस होगा जिसके अंदर किडनी जैसा वर्ड हमको देखने को मिलेगा, क्या मिलेगा बेटा, किडनी जैसा वर्ड आपको देखने के लिए यहाँ पे मिल जाएगा। तो किडनी पाया जाएगा और गोनाड जो होंगे, जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम्स के अंदर गोनाड होते हैं वो कैसा होगा, सिंगल कंडीशंस में प्रेजेंट होगा, ठीक। आगे क्या कह रहा बेटा, सेक्स आर सेपरेटेड, यानी मेल फीमेल यानी मम्मी पापा दोनों क्या होंगे बेटा, अलग अलग होंगे, ठीक है, यानी आदमी और औरत जो होंगे वो अलग अलग होंगे, ठीक, ध्यान देना, यानी मेल और फीमेल क्या होंगे, अलग होंगे। डेवलपमेंट इंक्लूड टोकोफोर लार्वा, यानी यहां भी डेवलपमेंट होगा किसके द्वारा, टोकोफोर लार्वा यहाँ पे भी शामिल होगा। हमने बताया था कि मोलस्का के अंदर टोकोफोर लार्वा मोस्ट इंपॉर्टेंट लार्वा है जो अलग अलग रूप रेखा के साथ अपने फाइलम में नजर आता है, ठीक है, यानी यहाँ भी टोकोफोर लार्वा पाया जाए किसके द्वारा, जब हमारा यहाँ पे स्काइपोडा जो है उसका कह सकते हो कि डेवलपमेंट यानी परिवर्तन हो रहा होगा तब। एग्जाम्पल की बात करते हैं तो एग्जाम्पल में आप कुछ ही को रख लो, चाहे हमारे पास क्या है यहाँ पे डेंटेलियम है, क्या है ये एग्जाम्पल देखो, डेंटेलियम है, तो आप इसको फिगर बनाना होगा, तो जिसका मन होगा, बहने खाली होंगी घर पे, तुम लोग तो बना ही सकते हो फिगर, ठीक है, डेंटेलियम मन किया था मेरा, जैसे हमने अभी जितने फाइलम पढ़ाए किसी में फिगर नहीं दिखाया था, ठीक है, लेकिन ऐसे बैठे थे तो टाइम था तो मैंने कहा कि भैया चलते हैं अलग अलग फाइलम जो हैं, सॉरी अलग अलग फाइलम के अंदर जो हमारा सब ऑर्डर है या फिर जो हमारे ऑर्डर हैं या फिर हमारे जो क्लासेस हैं उनके बारे में हम उनका फिगर ही एक दे देते हैं, ताकि बच्चों को थोड़ा सा दिखे कि आखिरकार इसमें पाए जनरल जो स्पीसीज हैं वो पर्टिकुलर कैसे हैं। तो यहाँ पे हमारे पास क्या पाया जा रहा है, डेंटेलियम, तो डेंटेलियम को आप क्लियर कर सकते हो। एलिफेंट, अच्छा ओके बेटा, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग दीपू बिटिया, गुड मॉर्निंग, ये क्लियर हो गया बेटा, नोट कर लो इसको।
गुड मॉर्निंग बेटा। आगे देखो, अगला है गास्ट्रोपोडा। ये मोलस्का का सबसे बड़ा हमारा क्या है, क्लास है। क्या है? मोलस्का का सबसे बड़ा क्लास है। और आगे यदि आप जहां भी पढ़ोगे, एमएससी करोगे, बीएससी को और स्पेशलाइजेशन के साथ करोगे, तो आपको क्या मिलेगा? आपको मोलस्का यदि पढ़ना है तो गास्ट्रोपोडा को जरूर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो हम देखते हैं कि आखिरकार ये जो गास्ट्रोपोडा है ये क्या कहता है और कैसे काम करता है। ठीक है, यानी इनके अंदर की जो पैर होती है, फूट होती है, वो गास्टर यानी बैली जैसी होती है। कैसे होती है? बैली, पेट लाइक, कैसे पेट पैर होते हैं। ठीक, तो कैसे होते हैं चलो आप दिखाते हैं। और इनके अंदर पैर जो क्लासेस हैं, सब क्लासेस और ऑर्डर हैं, वो क्या हैं, सबके बारे में यहाँ पे डिस्कस किया जाएगा। सबसे पहले बात करते हैं कि भैया कैसे पाए जाते हैं। भैया ये सारे सारे मेराइनल होते हैं, यानी ज्यादातर जो स्पीसीज होते हैं वो मेराइनल होते हैं। लेकिन कुछ जंतु को देखा गया बेटा, वो कहाँ पे, वो फ्रेश वाटर होते हैं, टोरिस्ट्रल होते हैं, यानी जमीन पे पाए जाते हैं। और कुछ जो होते हैं बेटा, वो पैरासाइट के रूप में काम करते हैं। किसके ऊपर? इकाइनोडर्मेट के ऊपर। किसके अंदर? इकाइनोडर्मेटा के ऊपर। तो भैया एक क्वेश्चन तो यहां से भी बन गया मल्टीपल चॉइस का। क्या बना? एक क्वेश्चन तो यहां से ओके विकास, हाँ केमिस्ट्री पढ़ा देंगे बेटा। आगे देखो, पहले कह रहा है कि पैरासाइट के रूप में काम करते हैं इकाइनोडर्मेटा के ऊपर। तो हो सकता है कभी क्वेश्चन पूछ दे कि किसी ऐसे मोलस्क के बारे में बताइए कि जो इकाइनोडर्मेटा के ऊपर पैरासाइट के रूप में रहता हो, यानी परजीवी के रूप में रहता हो। तो आपको गास्ट्रोपोडा के अंदर आने वाले जो स्पीसीज अलग अलग हैं उनके बारे में जरूर ध्यान होना चाहिए कि गास्ट्रोपोडा जो हमारा मोलस्का का है, वो स्पेशली जो हमारे इकाइनोडर्मेट होते हैं उनके बॉडी के ऊपर क्या करता है बेटा, पैरासाइट यानी परजीवी की भूमिका निभाता है। ठीक है, ये क्लियर हो जाएगा। और कहता है क्या बेटा यहाँ पे, कि इनके बॉडी के ऊपर ऐसा देखा गया है कि इनमें कौन कौन से हमारे जो स्नेल हैं और जो हमारे स्वग यानी पाइला है वो दोनों शामिल होते हैं। यानी घोंघा देखो ना, घोंघा और सुतही, शुद्ध भाषा में बोलूँ तो, ठीक है, जिससे मोती निकलता है, ठीक है, सीप, घोंघा और सुतही दोनों जो होते हैं बेटा ना, दोनों के दोनों इसी हमारे क्लास के अंदर मोलस्का के इसी क्लास से बिलोंग करते हैं। ठीक है, तो घोंघा को आप देखे ही हो, ठीक। और जो हमारे पास वो होता है मोती वाला, मोती वाला वो सुतही होती है ना, उसको भी देखे हो। ठीक है, आगे कह रहा कि बॉडी एलॉन्गेटेड, बॉडी लंबी होगी, अनसिमेट्रिकल, ठीक है, ऐसे होगी बेटा, असिमेट्रिकल कंडीशंस में पाई जाएगी, ट्रॉपिकल विद द, ठीक है, यूनिवॉल्व यानी इनवॉल्व यानी एक सिंगल वॉल्व के साथ पाया जाएगा। यहाँ पे स्पाइरली कोलाइड सेल्स, यानी कैसे ये ऐसे, मतलब इनके बॉडी के ऊपर जो हमारा कैसा सेल लेयर होगा, कैसा होगा, कोलाइड होगा। दिखाओ, मैं एग्जांपल आपको दिखाऊं। देखो घोंगा है ना, ये घोंगा देख पा रहे हो, इनके ऊपर ये जो सेल लेयर यहाँ पे ये कैसा है, कोलाइड है। कैसा है? कोलाइड है। आप देखेंगे घोंगा के ऊपर, यानी कोई भी घोंगा देखो तो घोंगा के अंदर ऊपर आपको ऐसे मिलेगा, ये एक लेयर ऐसे, ये हमारी बॉडी हो गई, ठीक है, और इसके ऊपर एक लेयर ऐसे मिलेगा, फिर एक लेयर ऐसे मिलेगा, फिर एक लेयर ऐसे मिलेगा, फिर यहाँ पे छोटा सा मिलेगा। ठीक है, यानी इसको क्या बोलते हैं, ये कोलाइड होगा, यानी पीछे की ओर क्या होगा, ऐसे घुमा होगा। ठीक है, पीछे की ओर ऐसे क्या होगा बेटा, या पीछे की ओर ऐसे कह लो कि पीछे की ओर, पता नहीं, यही समझो, पीछे की ओर ऐसे पाया जाएगा। ठीक है, आगे क्या कहता है बेटा, आगे कहता है कि बॉडी कैसी पाई जाएगी, बॉडी इनकी अनसिगमेंटेड होती है, यानी कैसे एक ही लेयर के साथ पाई जाएगी, उसका असिमेट्रिकल कंडीशन में होगी, ट्रैपिकल होगी, यूनिवाल्व होगा, यहाँ पे कोलाइड कंडीशन में इनका सेल पाया जाएगा। ठीक है, और जो हेड होगा वो वेल डेवलप होता है, यानी इनके अंदर खोपड़ा पाया जाएगा। ठीक है, क्या पाया जाएगा, इनके अंदर ब्रेन आपको देखने के लिए मिल जाएगा, सॉरी हेड, ब्रेन होगा कि नहीं होगा नहीं पता, लेकिन खोपड़ा मिलेगा। ठीक, और इनके अंदर जो आईस होती है, और जो टेंटिकल्स होती है, जो आंखें हैं और जो टेंटिकल्स होते हैं वो भी यहाँ भी देखने के लिए मिल जाते हैं। यानी इनमें आंख भी मिलेगा और इनमें स्पर्शक भी आपको देखने को मिल जाएगा। कैसे देखोगे बेटा, आप देख पा रहे हो इस फिगर को, देखो, ठीक है, इस वाले फिगर को आप देखोगे तो यहाँ पे क्या है, ये टेंटिकल्स को बोलते हैं, टेंटिकल्स, क्या बोलते हैं इसको, आपको टेंटिकल्स बोलते हैं। आप देखोगे तो इसी बॉडी के यहाँ पे छोटा सा में आंख वाला हिस्सा आपको देखने के लिए मिल जाएगा, और जो पूरा हिस्सा है ये खोपड़ा इसका है। ठीक है, नहीं, खोपड़ा के ठीक नीचे हमको आंख देखने के लिए मिलेगा। आगे कह रहा है कि जो फूट होगा बेटा वो कैसा होगा, लंबा होगा, फ्लैट
फ्लैटेड होगा, कैसा होगा, लंबा होगा, फ्लैटेड होगा। हमने देखो पाइला के बॉडी के अंदर कैसा, जो पाइला है, पाइला के बॉडी के अंदर जो ये देखो कैसा, ये पैर कैसा एकदम लंबा पाया जा रहा है दूर से, और एकदम चपटा होता है, लंबा होगा लेकिन कैसा होगा, चपटा कंडीशंस में पाया जाएगा। ये चीज आपको याद रहे। इकाइनोडर्मेट क्या है सर, दीपू इकाइनोडर्मेट पढ़ाएंगे, चिंता मत करो। नहीं हिंदी लैंग्वेज में क्लास नहीं कराते, ये कौन सा लैंग्वेज बोल रहा हूँ तुमको, ये कौन सा लैंग्वेज बोल रहा हूँ, हिंदी बोल रहा हूँ ना, कैसे हिंदी पढ़ते हो भाई आप, ऐसे बोलिए रउआ लोग के पढ़े के बाकी नहीं, शुद्ध भोजपुरी में बोलबे आए। ठीक आगे, अगले बारे में बात करें बेटा, यहाँ पे क्या मिल गया हमें, हमें इनके पैर कैसे मिल गए, लंबे मिल गए और फ्लैटेड मिल गए, ठीक है, और इनके अलग अलग क्लासेस हैं सब, ठीक है, क्लासेस के बाद इनके सब क्लासेस हैं। पहला सब क्लास हमारे पास क्या है, इसको बोलते हैं प्रोसो, क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं प्रोसो ब्रेंचिया। तो प्रोसो ब्रेंचिया के बारे में बात करें कि प्रोसो ब्रेंचिया क्या होंगे, सारे मतलब 98% जो स्पीसीज होते हैं वो मेराइनल होते हैं, कुछ फ्रेश वाटर होते हैं और कुछ जमीन पर रहने वाले होते हैं, ठीक है, और इनकी बॉडी जो होती है बेटा, बॉडी की ज्यादातर जो मासेस होती है वो अलग अलग भाग में बटी होती है, क्या होती है, अलग अलग भाग में बटी होती है, जो हेड होता है, हेड विथ ए सिंगल पेयर ऑफ टेंटिकल्स, यानी इनके बॉडी में हेड पाया जाएगा, उसके ऊपर सिंगल पेयर में क्या पाया जाएगा, टेंटिकल्स पाया जाएगा। जो स्नेल होता है वो क्लोज्ड बाय अपर कुलम, यानी अपर कुलम मतलब ढक्कन नुमा संरचना, जैसे इसको बोलते हैं ना, ये देखो ये जो घोंघा होता है, घोंघा के ऊपर आप देखोगे तो इनके अंदर एक छोटा सा ऐसा चेंबर लगा होता है जो खुलता है, क्या जो खुलता है, तब जाके हमारा जो घोंघा होता है वो किसी चीज को आगे खा पाता है। तो इसी लेयर को, जो ये वाला बीच वाला होता है ना, प्लेट लाइक स्ट्रक्चर होती है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, अपर कुलम, यानी वो प्लेट हो गई और खुलता किससे बेटा, अपर कुलम द्वारा खुलता है, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रहे। आगे कह रहा है बेटा, ठीक है, अपर कुलम क्या, क्लोज लाइक जो हमारा जहां से पूरा फुट बाहर निकलता है उसके बारे में बात कर रहा है। अगर जो हेड होगा वो पाया जाएगा कैसा, यहाँ पे जो हेड होगा यानी जो शरीर के ऊपर पाया जाना जो पूरा क्या बोलते हैं हेड कंडीशन, वो आपको देखने मिल जाएगा। कहता है बिटवीन ऑफ द पेयर ऑफ टेंटिकल्स एंड द पेयर ऑफ आईज, यानी एक पेयर हमको टेंटिकल्स मिल जाएगा और एक जुड़ा हमारा आंख मिल जाएगा, दोनों आंख उनके बॉडी में होगा। फुट जो पाया जाएगा वो बेटा मस्कुलर होगा, यानी जो उनके अंदर पैर होगा वो मांसपेशियों का बना होगा, और वेंट्रल पार्ट ऑफ बॉडी यानी बॉडी के निचले सतह पे आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और बात करें सेक्स की, तो यहाँ पे मेल और फीमेल क्या होंगे बेटा, अलग अलग पाए जाएंगे, गोनाड जो होगा वो सिंगल होगा, और लार्वा कौन सा बनेगा, टोकोफोर लार्वा बनेगा, क्या बनेगा, टोकोफोर लार्वा बनता है या फिर वेलिगर लार्वा बनेगा। तो टोकोफोर लार्वा या वेलिगर लार्वा दो फॉर्म आपको यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है बेटा। तो प्लीज आप इसको नोट करिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ओके बेटा, टेंटिकल्स को शुद्ध भाषा में स्पर्शक कहते हैं, टेंटिकल्स को शुद्ध भाषा में स्पर्शक कहते हैं। टेंटिकल्स को शुद्ध भाषा में स्पर्शक कहते हैं बेटा, ठीक है। ओके आगे देखो, काफी हो गया ये,
ठीक है, ये देखो अगला क्या है बेटा, ये ऑर्डर है, इसको पढ़ लोगे कोई दिक्कत? साक्षी और बाकी बच्चे जो भी हैं अब इसको पढ़ लीजिएगा बेटा। अरे नहीं साक्षी, कोई नहीं, आगे देखो, आगे देखो साक्षी, यहां पे ये आप पढ़ लेंगे, ये दोनों पढ़ लेना बेटा। वैसे समझा दिया हूं पूरा ऑर्डर मैंने, सारी क्लास और सब क्लास मैंने बता दिया, और ये आप पढ़ लीजिएगा ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होने वाली। जैसे यहां पे देख रहे हो तो इसको बोलते हैं आर्कियोगास्ट्रोपोडा, उसके बाद मीसोगास्ट्रोपोडा, ठीक है, ये सब गास्ट्रोपोडा के पार्ट है ठीक। अब इसको क्लियर कर लीजिएगा, एक यहाँ पे हो गया, एक लाइन ये क्लियर कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा पूरा मैंने पढ़ा दिया है, यहाँ पे इसको पढ़ लीजिएगा, सबके बारे में डिस्कस कर लिया, उसके बाद इसको पढ़ लीजिएगा, ये क्लियर हो जाएगा। हमारे पास तीसरा ऑर्डर, क्या तीसरा ऑर्डर का सब क्लास दूसरा है क्या? सब क्लास दूसरे का ये ऑर्डर फर्स्ट है ठीक। उसके बाद ये ऑर्डर हो गया, इसको पढ़ लीजिएगा, सब कुछ वही है, जो लाइन आएगा ना सब एक ही लाइन है, बार 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 वही लाइन बोल रहा है ठीक है, इसको आप क्लियर कर लीजिएगा ठीक। आगे क्या है, फिर वही है, यहाँ पे क्या पाया जाएगा, यहाँ पे सेल पाए जाएंगे, यहाँ पे जो फाउंड इन हमारे पास कोसर पाए जाएंगे ठीक। तो ये सारा चीज पीछे का ही है, कोई दिक्कत इसमें नहीं होगा, दिक्कत होगा तो मुझे बताना, मैं इसको रिपीट करके आपको पढ़ा दूंगा, क्योंकि बहुत लंबा क्लास है, क्लियर ही नहीं हो पाएगा ठीक है। हाँ यहाँ तक, यहाँ से यहाँ कर लो स्क्रीनशॉट, फिर यहाँ कर लो ठीक है। पैरेस्टिया की बात करेंगे, उसके बाद हमारे पास ऑर्डर नंबर कौन सा होगा बेटा, ऑर्डर नंबर पांच, किसके बारे में बात करेंगे आप, ऑर्डर नंबर पांच के बारे में बात करेंगे। ये जो ऑर्डर नंबर चार था गास्ट्रोपोडा, अब इसको पढ़ लीजिएगा, मतलब मैं ऑर्डर पढ़ा दे रहा हूं, बाकी आप पढ़ लीजिएगा ठीक है, कोई डाउट होगा तो बताना, एनीवन किसी को कोई डाउट होगा तो वो मुझे बताएगा ठीक। अब ऑर्डर नंबर पांच की बात कर लें, ऑर्डर नंबर पांच क्या कह रहा है, कह रहा है इसको बोलते हैं क्या, शुद्ध भाषा में, हो गया ना, कोई दिक्कत नहीं ना किसी को, किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना, आ जाओ। अगला देखो क्या कह रहा है, यहाँ पे हमारे पास पहला है यहाँ पे, भाई क्या हुआ, लो इसको कॉपी करो पहले, हो गया अब हो गया, ओके चलो आगे है क्लास नंबर पांच, क्लास नंबर पांच को देखेंगे ठीक है। तो क्लास नंबर पांच को हम लोग देखते हैं, इसको बोलते हैं क्या, इसको बोलते हैं पेलिसिडा, क्या बोलते हैं इसको, बोलते हैं पेलिपसिडा, सॉरी पेलिसिडा। तो यहाँ पे बात करते हैं पेलिसिपोडा, यही है क्या है भाई, हाँ सॉरी पेलिसिपोडा है। तो पेलिसिपोडा क्या कहता है, आओ दिखाते हैं आपको, पहला क्या बोल रहा है कि भैया ये इक्वेटिक होंगे, कैसे होंगे, इक्वेटिक यानी जल में रहने वाले होंगे, ज्यादातर जो लोग होंगे वो पानी में रहे, मतलब समुद्र में रहेंगे, लेकिन कुछ जो हमारे स्पीशीज होते हैं वो फ्रेश वाटर में भी देखने के लिए मिलेंगे ठीक है। आगे कह रहा है कि जो बॉडी होगी वो कैसे होगी, बाइलैटरल सिमेट्रिकल में होगी, और इनका जो कंपोजिशन होते हैं वो कैसे होंगे, वो बाइलैटरल सिमेट्रिकल में होगा लेकिन कंप्रेस्ड होगा, कैसा, लैटरली यानी नीचे से, कैसा होगा, नीचे से चपटा होगा और ऊपर से कैसे इनको दबाया गया होगा ठीक है, यानी ऐसे उठाया गया होगा ठीक है, लैटरल कंप्रेस्ड बोलता है। उसके बाद हेड, टेंटकल्स, आईज, जॉ ठीक है, ये सारे सारे क्या होंगे बेटा, वो अब्सेंट होंगे ठीक, क्या होंगे, अब्सेंट होंगे, यानी इनके अंदर ये नहीं पाया जाएगा ठीक है, क्या, स्वर नहीं पाया जाएगा, स्पर्शक नहीं पाए जाएंगे, आंखें नहीं पाए जाएंगे, जबड़े नहीं पाए जाएंगे, रेडुला जो होता है, रेडुला भी आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा ठीक। आगे कह रहा है कि जो फूट होता है बेटा, जो क्या, जो फूट होता है, इनके अंदर जो पैर होते हैं वो कुल्हाड़ी के समान होते हैं, कैसे होते हैं, कुल्हाड़ी के समान होता है, और जो मेंटल होता है वो पूरे लोब के बीच फैला होता है, जैसे पूरी इनकी बॉडी की लोब हो गई, ये पूरा जो हिस्सा है ये मेंटल वाला हिस्सा है, जो ऊपर की ओर हल्का सा उठा हुआ होता है, इनके बॉडी सरफेस से लगभग लगभग 1.6 लेकर 2.3 सेंटीमीटर ऊपर की ओर उठा हुआ होता है ठीक है। आगे क्या कह रहा है बेटा, जो इनके अंदर गिल्स होते हैं, क्या होते हैं, गिल्स होते हैं, या हमारे पास गिल्स के बाद हमारे पास क्या मिल रहे हैं,
कैटनिडिया होता है वो पेयर्ड फॉर्म में होता है, यानी एक गिल्स पाया जाएगा एक पेयर, दो गिल्स पाए जाएंगे और दो यहाँ पे कैटनिडिया पाया जाएगा जो स्क्रेटरी सिस्टम में काम करेगा, ठीक है, कौन, एक लेफ्ट साइड और एक राइट साइड, ठीक। आगे कह रहा है कि ये कैसे होते हैं, ये द्विलिंगी होते हैं, कैसे होते हैं, ये द्विलिंगी होते हैं। द्विलिंगी का मतलब समझ रहे हो बेटा, क्या कहते हैं, द्विलिंगी का मतलब समझ रहे हो, डाइकोसिस का मतलब इनके अंदर मेल और फीमेल दोनों की भूमिका देखने के लिए मिल जाएगा। और आगे कहते हैं कि इनके अंदर लार्वा कंडीशन होगा, क्या होगा, इनके अंदर लार्वा कंडीशन होगा, दो टाइप के लार्वा मिलेंगे, एक टाइप का लार्वा होगा वेलिगर लार्वा, क्या होगा, वेलिगर लार्वा देखने मिलता है, दूसरा हमारे पास मिलता है जिसको बोलते हैं ग्लोकी, क्या बोलते हैं, ग्लोकिडियम। तो ग्लोकेडियम ये लार्वा आप याद रखिएगा, आपको नाम पूछ सकता है तो आपको याद रहे, किसके बारे में, इसके बारे में, कौन सा, इसको बोलते हैं पेलिसिपोडा। तो पेलिसिपोडा के अंदर यहाँ पे क्या मिल जाएगा, एक अलग लार्वा मिलेगा जिसका नाम है हमारे पास ग्लूकीडियम। तो ग्लूकीडियम ये क्लियर कर लिएगा, वेलिगर और ग्लूकेडियम दो लार्वा हमको देखने के लिए मिलेंगे पहला, उसके बाद हमारा ऑर्डर क्लियर हो जाता है। यहाँ पे ऑर्डर नंबर फर्स्ट के बारे में बात करते हैं, जिसको बोलते हैं प्रोटोब्रांचिया। तो प्रोटोब्रांचिया के अंदर जो गिल्स होता है बेटा वो फिलामेंटस कंडीशन में, कैसा, गिल्स, गिल फिलामेंटस नॉट फोल्डेड, यानी गिल्स कैसा होगा, फिलामेंटस यानी फैला हुआ होगा, आपस में मुड़ा हुआ नहीं होगा, ठीक है। अगर माउथ प्लेस्ड एट द बेस ऑफ प्रोबोसिस्ट, यानी हमारे जो इनके अंदर माउथ होगा, माउथ को, ठीक है, जो माउथ एरिया होगा वो सुंड के आकार का होगा, यानी जो देख रहे हो ये ना, ये देखो ये जो माउथ इनका है ये आगे की ओर ऐसे, जैसे वो घोड़ा होता है ना, घोड़ा जो होता है या गधा होता है आगे की ओर बैल के जैसा ऐसे निकला होता है ना, ऐसे सुंड के नुमा यहां पे देखने के लिए मिलेगा, ठीक है, क्लियर हो जाएगा। और इनके अंदर की बात करें कि भैया एग्जाम्पल के अंदर बात करें, एग्जाम्पल कहाँ रख लोगे, एग्जाम्पल रख लो यहाँ पे, किसका एग्जाम्पल है, यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल, इसको बोलते हैं नेकुला, क्या बोलते हैं, नेकुला, ठीक। तो कोई दिक्कत नहीं है, आप कर लो इसको, नेकुला होगा, ओके। क्लास 9 बजे से लेते हैं बेटा, 8 बजे से लेते हैं बेटा। सर मैंने अपने गांव में घोघा देखा है, ओके बेटा, दीपू घोंघा देखे हो, कोई नहीं, सही, बढ़िया है। हेलो सर, मेरी अब ऐप तक पहुंच चल रही है, ओके बेटा, और कोई दिक्कत, क्लियर हो गया बेटा, आगे चले, आगे हो गया ये, अरे नहीं जी, रोज होगा आप, ठीक है, रोज चलेगा। आगे देखो, आगे कह रहा है कि ऑर्डर नंबर टू के बारे में बात करें, ऑर्डर नंबर फर्स्ट हमने देख लिया, यहाँ पे क्या देखा बेटा, ऑर्डर नंबर हमने देखा प्रोटो ब्रांचिया। आप ऑर्डर नंबर टू के डू के बारे में बात करते हैं, ऑर्डर नंबर दो क्या कह रहा है, इनको बोलते हैं फैली ब्रांचिया, क्या बोलते हैं, इनको बोलते हैं फैली ब्रांचिया। तो फैली ब्रांचिया क्या कहता है, कहता है कि गिल्स जो होगा वो कैसा होगा, फिलामेंटस होगा, इनकम्प्लीटली पाया जाएगा, कैसा होगा, लेकिन फिलामेंटस होगा, लेकिन ये अपूर्ण होता है, यानी पूरे जोड़े में नहीं होगा, ठीक है, यानी कह सकते हो कि दो तो नहीं है मिलेगा, यानी आधा आधा स्ट्रक्चर्स बनता हुआ आपको दिखाई देगा। उसके बाद कहते हैं यहाँ पे काइटिनियस गैस्ट्रिक सेल, यानी इनके बॉडी के अंदर काइटिनियस लेयर बना होगा और स्टमक, यानी इनके अंदर जो स्टमक होती अमाशय होगा वो डेवलप हो जाएगा। तो आपको ये लाइन तो एकदम अच्छे तरीके से याद रखना पड़ेगा, क्या, इनके बॉडी में अमाशय भी डेवलप होता हुआ दिखाई देता है। इनके जो पैर होंगे वो छोटे छोटे होंगे, नन्हे मुन्ने होते हैं, क्या होते हैं, इनके पैर जो होते हैं वो छोटे मोटे होते हैं, ठीक है, और इनके बॉडी के ऊपर जो प्लोरी है वो डेवलप हो जाती है, यानी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होती हैं पैर के लाइक, वो चलने में इनको मदद करती हैं, स्टाइल शेक विथ, ठीक है,
क्रिस्टलाइन स्टाइल। अच्छा, इनके ऊपर बॉडी के ऊपर हमको क्या मिल जाएगा? बॉडी के ऊपर एक क्रिस्टलीय लेयर मिलेगा। क्या मिलेगा? क्रिस्टली लेयर मिलेगा, जो क्रिस्टलाइन सेल के साथ, यानी क्रिस्टलाइन शेक मतलब होता है कि क्रिस्टल का बना हुआ एक मजबूत एक ऐसा शेक यानी गड्ढा पाया जाएगा, जिसके ऊपर हमारा पूरा, सॉरी, जिसके अंदर हमारा पूरा जो एनिमल होगा वो सुरक्षित रहेगा। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल है। क्या है ये? हमारे मिथलस की एग्जाम्पल है, इसको आप याद रखिएगा। ठीक है, किसकी एग्जाम्पल है ये? हमारे पास एक एग्जाम्पल है जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं मेटलस, मेटलस बोल सकते हैं, मेटलस। ठीक है, तो मेटलस हो जाएगा, इसको याद रखिएगा। आगे दूसरा हमारे पास क्या है? दूसरा हमारे पास, उसके बाद हमने पढ़ा क्या? फेली ब्रांचिया। पहले क्या पढ़ा हमने? प्रोटो ब्रांचिया पढ़ा, दूसरा हमने फेली ब्रांचिया पढ़ा, और तीसरा ऑर्डर हमारे पास क्या आ रहा है? तीसरा ऑर्डर को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे, क्या बोलते हैं? इमाइलो। क्या बोलते हैं? इलाइमिलो, इलाइमिलो ब्रांचिया। क्या बोलते हैं बेटा? इमाइलियो, एक मिनट, क्या भाई इसको, ठीक, क्या बोलते हैं? इलाइमिलो, इलाइमिलो ब्रांचिया जो होती है उसके बारे में क्या कहता है? कहता है गिल्स आर फ्रीम एंड, ठीक है, बॉस्केट लाइक एंड हेल्प ऑफ द। अच्छा, इनके अंदर जो गिल्स पाया जाए कैसा होगा? बॉस्केट लाइक होगा। कैसा होगा? बॉस्केट लाइक होगा। इनके बारे में बात कर रहा है कि इनके अंदर गिल्स कैसा होगा? बॉस्केट लाइक, कटोरी जैसी होती है। कैसी होती है? कटोरी जैसी होती है। और ये क्या करती है बेटा? ये भोजन को इकट्ठा करने का काम करती है। क्या? भोजन को इकट्ठा करने का काम करती है, पहला बात। दूसरा बात कह रहा है कि जो गिल्स होगा वो फिलामेंटस होगा, भैया कंप्लीटली टिश्यू सीट, यानी इनके बॉडी के अंदर जो गिल्स देखने को मिल रहा है वो उत्तक सीट का बना होगा, यानी पूरी तरीके से बॉडी के अंदर जुड़ा होगा। इसके अंदर इनियो जो है, क्या है? इनियो है, इनियो बेस्ट एग्जाम्पल है, तालाब में पाया जाने वाला सुतही, जिसको गांव में, घर में वो मक्खन निकालने के लिए या किसी कढ़ाई को साफ करने के लिए या कोई दूध के जो तलाई होती है, तलाई होती है उसको साफ करने के लिए सुतही इस्तेमाल करते हो ना, वही सुतही है जो आपको मिल जाएगा। मेरे घर होगा, ऐसे दिखा देंगे कभी, ठीक है, तो ये आपको देखने मिल जाएगा। तो यहाँ पे क्या है? यूनियो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। ठीक है बेटा, उसके बाद हमारा अगला क्या है? अगला हमारे पास इसको बोलते हैं सेप्टी। क्या बोलते हैं? अगला हमारे पास है सेप्टी ब्रांचिया। सेप्टी ब्रांचिया जो होते हैं बेटा मेराइन में होते हैं, समुद्र में पाए जाते हैं। इनके अंदर जो गिल्स होता है वो अब्सेंट होता है, जो स्टमक होता है बेटा वो बना होता है इनके बॉडी के अंदर। क्या? स्टमक बना होता है जो काइटिन की बनी होती है या काइटिन लेयर से ढकी होती है, और स्टाइल से यहाँ पे होगा लेकिन कम डेवलप होगा। ये हमारे पास एक स्पीसीज है, ठीक, जिसके बारे में हल्का सा आपको दिख रहा होगा यहाँ पे घास फूस लाइक स्ट्रक्चर्स में। ठीक है, ये हमारे पास एक स्पीसीज है जिसका नाम क्या रखा गया है? जिसका नाम रखा गया है प्रोमिया। क्या रखा गया है? पोरोमिया। तो पोरोमिया है, ठीक। तो बेटा ये भी स्क्रीनशॉट कर लो, बेसिक सा है, इसको नोट कर लो। हाँ, एक यूनिट खत्म हो जाएगा, दो क्लास और बचेगा, कल पढ़ाएंगे बेटा, कल परसों, ठीक है, यानी दो दिन के अंदर हमारा फर्स्ट यूनिट खत्म हो जाएगा। ये बहुत बड़ा यूनिट है, इसमें जो क्लास है ना बेटा लंबा लंबा है, इसके बाद का जो यूनिट है ना उसमें क्लास छोटा छोटा है, इसमें बहुत लंबा लंबा क्लास है, ठीक, इसको कर लो। ठीक, इसको नोट कर लो बेटा, थोड़ा सा और रह गया है बस। अब हम बात करें किसके, पहले नोट करो इसको। हम आप बात करेंगे ऑर्डर और सॉरी क्लास नंबर किसकी? सिक्स की। किसकी बात करेंगे बेटा? क्लास नंबर सिक्स की बात किया जाएगा। सिफेलोपोडा के बारे में बात करें। किसके बारे में बेटा? सिफेलोपोडा के बारे में बात करते हैं। तो भैया सिफेलोपोडा के अंदर क्या होगा? जितने भी एनिमल होंगे सबके सब कैसे होंगे? मैराइनल पाए जाएंगे। बॉडी जो होगा कैसा होगा बेटा? डार्सो वेंट्रल वेंट्रली एलोंगेटेड होगा, लंबा होगा, फैला होगा, चपटा होगा, ठीक है, और सेल इंटरनल नहीं पाया जाएगा, और एक्सटर्नल बाहर की ओर क्या होगा? अब्सेंट होगा।
जो हेड होगा उसके ऊपर लार्ज यानी बड़ी सी आइस पाई जाएगी, माउथ इनके अंदर पाया जाएगा। जो फूड होता है वो मॉडिफाइड इनटू टेंटकल्स एंड अच्छा साइफोन, यानी इनके अंदर जो हमारे पास फुट होती है यानी पैर होती है वो मॉडिफाइड होकर क्या बना देती है, टेंटकल्स बनाती है, यानी टेंटकल्स का मतलब होता है स्पर्शक बना लेती है, और इनके अंदर साइफन बन जाते हैं जो वाटर सर्कुलेशन को काम करते हैं। ठीक है, ये कैसे होते बेटा, ये द्विलिंगी होते हैं डेवलपमेंट, और यहाँ पे होता है कि मीरोब्लास्टिक विथ मेटामॉर्फोसिस, यानी डेवलपमेंट तो होगा, क्या होगा इनके बॉडी के अंदर डेवलपमेंट तो आपको देखने के लिए मिलेगा, ये चीज आपको ध्यान रहे। क्या करेंगे, इनके बॉडी के अंदर डेवलपमेंट आपको देखने के लिए मिल जाएगा, बट डेवलपमेंट आपको मिलेगा, ठीक, ये क्लियर करिएगा कि डेवलपमेंट मिलेगा लेकिन डेवलपमेंट के अंदर कोई भी लार्वा स्टेज नहीं बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक, क्या होगा, डेवलपमेंट तो पाया जाएगा लेकिन डेवलपमेंट के अंदर कोई भी लार्वा स्टेज आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा, ये चीज आपको ध्यान रहे। ठीक है बेटा, एक मिनट, क्या हुआ इसको, ठीक है बेटा, थोड़ा सा वीडियो अचानक लॉक हो गया था, मुझे नहीं समझ में आ रहा था, मैंने उधर सिस्टम की तरफ देखा नहीं, मैं पढ़ा रहा था बस, कोई नहीं, मैं थोड़ा देख लेता हूँ कि कहाँ तक हुआ था। ठीक है, ओके ओके ओके, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, कहाँ तक हुआ बेटा, ऑर्डर नंबर बताओ तो, ऑर्डर नंबर 4 हो गया, ये हो गया था, यहाँ पे सेफ्टी ब्रांचिया को हमने देख लिया था। सेफ्टी ब्रांचिया के अंदर क्या बेटा, ये क्या पाया जाएगा, ये पाया जाएगा हमें कैसे, सारे सारे समुद्र में पाए जाएंगे, कैसे पाए जाएंगे, सारे के सारे कहाँ पाए जाएंगे, समुद्र में पाए जाएंगे, इनके अंदर गिल्स जो होगा अब्सेंट पाया जाएगा, और इनके अंदर जो अब्सेंट होगा बेटा सॉरी स्टमक होगा वो पाया जाएगा। ठीक है, काइटिन का बना होगा लेकिन इनके अंदर स्टाइल सीक जो होगा वो छोटा हो जाएगा। ठीक, एग्जाम्पल में किसको रखेंगे, यहाँ पे जो पोरोमिया है, पोरोमिया को हम लोग एग्जाम्पल में यहाँ पे सेट आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं होने वाला। फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं अगले यहाँ पे सिफेलोपोडा के बारे में, पहले आप इसको कर लो स्क्रीनशॉट, फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट के पास, इसको कर लो स्क्रीनशॉट, फिर हम लोग चलते हैं अगले पार्ट के पास। अब दिख रहा बेटा, थोड़ा सा प्रॉब्लम था, आई थिंक रुक गया था, पता नहीं क्यों मुझे समझ नहीं आया, हम देख ही नहीं नीचे, और वहां पे चल रहा था, मैंने सोचा कि चल ही रहा है, मैं पढ़ा दूं फ्लो में, अब फ्लो में दिक्कत हो गया। ठीक, बट कोई नहीं, क्लियर दिख रहा है, आप एक बार देखिए थोड़ा सा, नहीं दिख रहा है, किसको नहीं दिख रहा है, मुरखो मेरे पास, ठीक है, आगे देखो सिफेलोपोडा के बारे में, किसके बारे में, सिफेलोपोडा के बारे में। सिफेलोपोडा क्या कहता है, सिफेलोपोडा कहता है भैया कि हम कहाँ पाए जाएंगे, हम समुद्रों में पाए जाएंगे, हमारी बॉडी कैसी होगी, हमारी बॉडी डार्सो वेंट्रल एलोंगेटेड यानी लंबी चपटी फैली होगी। ठीक है, उसके बाद हमारे बॉडी के अंदर जो एस्टेंटाइन सॉरी सेल होगा वो इंटरनल होगा, एक्सटर्नल क्या होगा, अब्सेंट होगा, बाहर की ओर कोई भी लेयर आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा मोटा वाला। जो हेड वेयर्स होते हैं वो लंबे होते हैं, जो आंखें होती हैं वो भी लंबी होती हैं, और इनके बॉडी के ऊपर माउथ भी आपको देखने के लिए, मैंने सर और आंख बड़ी होंगी, ठीक है, माउथ भी इनके अंदर पाया जाएगा। कहता है जो पैर होगा वो मॉडिफाइड हो जाएगा, मैंने परिवर्तित हो जाएगा, परिवर्तित होकर क्या बना जाएगा, टेंटिकल्स का निर्माण करेगा और साइफन का निर्माण करेगा। ठीक है, टेंटिकल्स एंड साइफन का निर्माण हो जाएगा।
ये कैसे होंगे, द्विलिंगी होंगे, यानी मेल फीमेल एक ही में देखने को मिल सकता है। इनके अंदर डेवलपमेंट होगा लेकिन विदाउट किसी भी लार्वा स्टेज के, यानी इनके अंदर किसी भी टाइप का कोई भी कहता क्या यहाँ पे मीरोब्लास्टिक, क्या बोलता है मीरोब्लास्टिक डेवलपमेंट मिलेगा और बिना किसी मेटामॉर्फोसिस के, ठीक है। और इनको दो क्लासेस अंदर डिवाइड किया गया बेटा, पहला क्लास हमारा सही पहला सब क्लास हमारे पास क्या है, इसको बोलते हैं नाटियो, क्या नाटिलो नाइटिलुडिया, नाइटिलुडिया के बारे में बात करें, ये पहला हमारे पास क्या है सेल इंटरनल होगा, क्या होगा एक्सटर्नल होगा, और ये कैसा होगा कुछ तो घूमे हुए स्ट्रक्चर्स में होते हैं, जैसे ये क्या है घुमा हुआ स्ट्रक्चर्स है, क्वाल कंडीशंस में होंगे, और कुछ क्या होंगे स्ट्रेट लाइन में होंगे, ठीक है। आगे टेंटकल्स पाया जाएगा, टेंटकल्स विदाउट सकर है, टेंटकल्स तो होगा, ये देख रहे हो ना ये बॉडी में टेंटकल्स तो है ढेर सारे, लेकिन इनके ऊपर कोई भी चूसक नहीं लगे होंगे, यानी किसी को चिपक कर किसी से न्यूट्रिएंट मटेरियल को चूस नहीं सकता। आगे कह रहा है कि टू गिल अ पेयर ऑफ गिल्स, यानी इनके अंदर दो पेयर ऑफ गिल्स पाए जाएंगे, दैट ऑफ नेफ्रेडिया प्रेजेंट, इनके बॉडी में नेफ्रेडिया कंडीशन भी पाया जाएगा, ठीक है। यानी नेफ्रेडिया मतलब जस्ट लाइक एक्सक्रेटरी सिस्टम भी इनके अंदर देखने के लिए मिलेगा नेफ्रेडिया के द्वारा। एग्जाम्पल को आपको रखना है तो ये प्यारा सा एग्जाम्पल आपको दिख रहा है जिसका नाम है नॉटिलस, क्या है नॉटिलस, तो नॉटिलस को आप याद रखिएगा, ठीक है बेटा, इसको आप क्लियर कर लीजिए फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अरे साक्षी रुके रहा हम हूं, चलो आप बस एक पीपीटी और है पढ़ लो फिर चलो, ठीक। आगे आगे देखो बेटा, दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा हमारा सब क्लास इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं सेमनोडिडा। सेमनोडिया के बारे में बात करें, कहता है कहता भैया विलुप्त हो चुका है, क्या ये विलुप्त हो चुका है, अब नहीं देखने मिलता। इनके ऊपर जो सेल था वो एक्सटर्नल था, इनके अंदर क्या ये जो सेल है कैसा है एक्सटर्नल था, कोलाइड कंडीशन में था, कैसा कोलाइड कंडीशन यानी क्वाल कंडीशन में देखने के लिए मिला था। एग्जाम्पल रखेंगे हमारे पास क्या हो जाएगा पीचीडी, क्या बोलते हैं पीडी पीचीडी सॉरी इनके इनके जो एग्जांपल उसको बोलते हैं पी पचडीकस, पचडीकस जो है वो हमारे पास एग्जांपल है किसका, यहाँ पे इसमें क्या बोलते हैं इसको इस्मोनो, क्या इस्मोनोइडिया, तो इस्मोनोइडिया का हमारे पास दो फीचर्स हैं, पहला तो विलुप्त हो चुका है, दूसरा इनके बॉडी में जो सेल था वो कैसा था एक्सटर्नल था, लेकिन वो किस कंडीशन में था कोलाइड यानी कैसे क्वाल कंडीशन में था, कैसा क्वाल कंडीशन, ठीक है क्वाल लाइक घुमा हुआ स्ट्रक्चर के साथ पाया था। हमारा तीसरा सब क्लास है, क्या है तीसरा सब क्लास, इसको क्या बोलते हैं कोइलोइडा, क्या बोलते हैं कोइलोइडिया। कोइलोइडिया में क्या करेंगे, जो सेल होगा बेटा वो इंटरनल होगा और एब्सेंट, यानी कभी कभी एब्सेंट भी पाया जाएगा लेकिन इंटरनल भी कभी कभी देखने के लिए मिल जाता है। और जो स्पर्शक होंगे वो कम होंगे, क्या होंगे कम होंगे विथ सकर के साथ, यानी इनके अंदर सकर भी होगा यानी चूसने वाला स्पर्शक पाया जाएगा। यदि बात करता है वन पेयर ऑफ गिल्स दैट ऑफ द नेफ्रेडिया प्रेजेंट, यानी एक पेयर ऑफ गिल्स यहाँ पे देखने मिलेगा लेकिन इनके अंदर नेफ्रेडिया प्रेजेंट होगा, यानी इनके अंदर जो स्क्रेटिस सिस्टम है वो भी देखने के लिए मिलेगा, क्लियर डेवलप होगा, ठीक है। इसको स्क्रीनशॉट कर लो बेटा फिर आगे बढ़ते हैं। ठीक है क्लियर कर लो बेटा इसको। अब देखो हमारे पास क्या है, जो कोइलोइडा है, कोइलोइडा को दो पार्ट में डिजाइन किया गया, दो ऑर्डर इसके होते हैं। पहला हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर जो बोल रहा है उसको बोलते हैं डेकापोडा, क्या बोलते हैं डेकापोडा का मतलब चार दस पैर वाले, कहता है कि टेन आर्म प्रोजेक्ट, डेकापोडा यानी दस पैर वाले, ठीक है। कहता है कि टू आर लॉन्ग, यानी दो 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 होते हैं वो लंबे होते हैं और बाकी जो होते हैं वो टेंटिकल्स लाइक स्ट्रक्चर के साथ आते हैं, यानी दो कैसे होंगे लंबे होंगे, ठीक है, जो लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, बाकी जो भुजाएं होती है वो छोटी होती हैं, ठीक है। एग्जांपल कैसे सीपिया के बारे में, कैसे जो सीपिया होता है, सीपिया यानी कैटल फिश, क्या कैटल फिश को आप रख सकते हो, कैटल फिश इसका बेस्ट एग्जांपल है। अगला है बेटा ऑक्टोपोडा, क्या है ऑक्टोपोडा मतलब इसके अंदर आठ पैर होगा, कहता कि बॉडी ग्लोबुलर होगी यानी इकट्ठा होगी, ये देखो दिख रहा है बॉडी कैसी होगी ग्लोबुलर होगी, बड़ा सा होगा
और विदाउट फिन, यानी कोई भी पैर देखने के लिए यहां पे नहीं मिलेगा। ठीक है, आगे क्या कह रहा है कि एट इक्वल आर्म, यानी यहां पे आठ भुजाएं, 1 2 3 4, ठीक, 5 6 7 और 8, आठ भुजाएं मिलेंगी, इनकी आठ आर्म मिलेंगे और आठों भुजाएं जो होंगी वो समान होंगी। जस्ट लाइक इसके द्वारा बेटा ऑक्टोपस, आप जानते हो ऑक्टोपस का नाम सुने हो, तो ऑक्टोपस जो है वो इसी ऑक्टोपोडा के अंदर आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो ये रहा टूटा फूटा क्लास, दो बार हमारा आज ब्रेक किया सिस्टम, बट कोई नहीं, चलते हैं बेटा, अब मिलेंगे आपको अगले, नोट कर लो, पहले ये नोट कर लो, फिर हम लोग मिलेंगे कहां पे, अगले क्लास के अंदर, लेके आपके लिए 91वें मेटा का छोटा सा क्लास होगा, लेकिन इतना ही बड़ा हमें पढ़ना है, फिर 91वें मेटा का क्लासिफिकेशन। फर्स्ट यूनिट खत्म होने के बाद हम तेजी से क्लियर करेंगे सेकेंड थर्ड फोर्थ जो भी होगा सब यूनिट को। ठीक है बेटा, तो अपना ध्यान रखिएगा, कल आप 8 बजे हमारे लाइव सेशन में आइएगा, हम लेके आपको चलेंगे फिर 91वें मेटा की नगरी में। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं, टेक केयर, बाय बाय एंड जय हिंद बेटा। और किसी को कोई प्रॉब्लम है तो बच्चा पार्टी बोले, हम आपके लिए तैयार है, बैठे हैं, एकदम बैठे हैं। ठीक है बेटा, थैंक यू सभी को, सभी बच्चे थैंक यू बेटा, अपने अपने दोस्तों को जरूर बताना, सारे बच्चे दिल से। अरे सोनू जी तुम्हारा दिल टूटने लगा, अरे लख है रे कहीं के, तुम लोग क्या बताएं, तुम लोगों को छोड़ो, तुम लोग एकदम क्लास में ना क्या बताए, जो आता है सो कहेगा कि हमारा दिल तोड़ के जा रहे हो, तुम मत जाओ, तुम अच्छे लग रहे हो। ये भाई जान तू क्या करता, बीएससी करता है, पढ़ाई कर ले बेटा, सही कह रहे साक्षी कि सोनू पढ़ाई कीजिए। ठीक है, थैंक यू बेटा, हाँ पहला के बारे में पढ़ा दूंगा, चिंता ना करो ज्योति, ज्योति क्लास लगेगा बिटिया, सब पागल हैं। अरे क्या बताएं बेटा, अरे पढ़ लो, नौकरी वोकरी लो लो, फिर उसके बाद करो, अच्छा लग रहा है कि बुरा लग रहा है, अभी काहे बता रहे हो। ठीक है, बाय बेटा, कल मिलेंगे लाइव सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखना।